Good evening, everyone. जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। आज ये मैराथन नाम तो दे दिया है, बट देखते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट के आपका जो 21st का एग्जाम है तो उस बेसिस पे आपको जितना भी कुछ बता पाए उसके लिए मैं बेस्ट ट्राई करूंगी। एक बार टेलीग्राम पे मैसेज डाल रही हूँ, आप लोग जल्दी लाइव आ जाओ। ट्राई करेंगे कि जो जो चीजें अभी बता सकते हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सके। ठीक है, तो कैसे हो? प्लीज बस यही है, कॉन्फिडेंस कम नहीं रखना है। लास्ट टाइम पे जो एग्जाम का पढ़ भी रहे हो, अगर सभी को गुड इवनिंग, लास्ट टाइम पे पढ़ भी रहे हो तो उनके लिए भी बताऊंगी कि देखो लास्ट टाइम पे वैसे तो कुछ नहीं होता है, प्रिपरेशन लोग बहुत पहले की कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छी होनी भी चाहिए इस लेवल की एग्जाम की। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस मत हारना, जिनने जो प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पढ़ाई कर चुके हैं, आप लोगों को बस फ्री माइंड होके एग्जाम देने की जरूरत है वहां पे। ठीक है, तो बस उतनी ही वही बात करूंगी कि प्लीज थोड़ा सा उस लेवल पे ही अपना ध्यान रखना। ठीक है, जल्दी से लाइव आ जाएं। ठीक है, सब आ गए हैं, अभी जो जुड़ते जाएंगे। हम सभी को गुड इवनिंग, सभी को हेलो। मैं ज्यादा टाइम, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि जो भी डाउट्स है आप कमेंट्स में देते जाना, मैं देख लूंगी और बाकी हम लोग शुरू करते हैं। मैंने सोचा है कि थोड़ा एक दो टाइमलाइन डिस्कस करके, क्योंकि टाइमलाइन इंडियन आर्ट हो गया, वेस्टर्न आर्ट हो गया, इन सबके परस्पेक्टिव से टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये याद रखनी है। प्लस कुछ ग्राफिक ग्राफिक का देख लेंगे, ग्राफिक्स बहुत, एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा देख लेंगे, और फिर जो क्वेश्चन परस्पेक्टिव से जो चीजें आई है वो आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, तो एक बार साउंड और स्क्रीन ठीक है, क्लियर आप बता दीजिए। थोड़ी सी स्क्रीन छोटी आ रही होगी वैसे, बट उसको आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग जो भी हैं, जितने भी, सभी को हेलो, बढ़िया से। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा मुझे कंफर्म कर दीजिए सब कुछ ओके है तो हम शुरू करते हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं। ओके, ऑल ओके। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो आप लोगों को जो सिलेबस वगैरह आपने देखा ही है सब कुछ, पहले अगर आपको आपकी तरफ से भी कुछ डिमांड है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि ये टॉपिक दिक्कत आ रही है, तो अपन उस पर भी अलग से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे बात हो रही है अपनी कि हम लोगों ने टॉपिक में क्या देखा था, तो बेसिक चीजें जो आप लोगों को पता है हमको कवर करनी है, इतनी चीज ध्यान रखना कि ये बेसिक मोटे मोटे टॉपिक है वो आपको देखना ही देखना है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। क्या है, सबसे पहली चीज आती है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, फिर आता है आपका वो ग्राफिक्स। ये मोटे मोटे टॉपिक है और इनपे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये आपको देखने ही देखने, इनको आपको नहीं छोड़ना है। तीसरा इंडियन इंडियन आर्ट में टाइपोग्राफी ग्राफिक्स के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है, और उसकी मतलब मैं समझती हूँ उसमें ज्यादा टाइम आप इन्वेस्ट ना कीजिए। जो बेसिक सेंस सेरिफ सेरिफ और जो फॉन्ट फेस टाइप ऑफ फेस, बस इसके बारे में जो हर बार पूछते रहते हैं वो वही चीज को आप रिपीट कीजिए, आपको उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। जबकि ग्राफिक्स को आपको कंप्लीट डिटेल, जो प्रिंट मेकिंग है, मतलब ग्राफिक्स के अंतर्गत ही बता रही हूँ, प्रिंट मेकिंग है, उनको हमको सबको एक कॉन्सेप्ट फैक्ट में समझना जरूरी है, हमको उनकी जो प्रोसेस है वो सब समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन समझ के ही आता है, ये है ना, ये रटने वाली चीजें हैं कुछ, लेकिन ये समझने वाली है प्रिंट में की, तो उसको आज देखेंगे टोटल। इंडियन आर्ट है, इंडियन आर्ट में बात करते हैं पेंटिंग से, मूर्तिकला से, स्कल्पचर बोलते हैं जिसको, और आर्किटेक्चर से। ठीक है, आप थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन कीजिए तो शायद स्क्रीन ओके रहेगी ना, क्योंकि बाकी सबको दिख रहा है। प्लीज थोड़ा सा स्क्रीन, और प्लीज किसी को टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन पे जो लोग हैं आप गाइड कर दीजिए कि, है ना, मैं उस चीज में अभी ध्यान नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है, ये चीजें देखनी है इंडियन पेंटिंग में। चौथी चीज आती है वेस्टर्न, वेस्टर्न में आपको सेम वही जो आपका टाइमलाइन है कंप्लीट वो देखना है।
है ना। फिर जो चीज, ये मेन है, ये मेन चीजें हैं। पांचवी चीज एस्थेटिक्स होती है। एस्थेटिक्स मतलब उसमें भी आपको ये देखना है कि कौन, सौंदर्य शास्त्र कौन से फिलोसोफर ने कला के बारे में, सौंदर्य के बारे में क्या क्या बातें बोली, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। वो भी कुछ बेसिक्स हैं जो कुछ ही फिलोसोफर्स हैं मानेंगे कि जिन्होंने जो जो बोला हर बार आता है, वो चीज हम थोड़ी सी डिस्कस कर सकते हैं। फिर आता है, ये मैं मोटा मोटा तौर पर चला रही हूँ आपको, चाइना जापान पर्शिया बिल्कुल छोड़ दो क्योंकि आएगा भी तो एक दो क्वेश्चन आएगा, आप उसका रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ हम लोग 100% मार्क्स सिक्योर करने वाली क्लास नहीं है, ये एक बहुत एवरेज क्लास है। तो इसमें वो चीजें बात होगी जो बहुत बेसिक तौर पे सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एवरेज क्लास है, ध्यान रखना। डीप पे जाना है तो पूरा चैनल आपके लिए पड़ा है। ठीक है, फिर कुछ चीजें आती है, इसको हम 8 फंडामेंटल्स बोलते हैं। इसका सबको टारगेट रखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 8 फंडामेंटल इतना क्लियर होना चाहिए। आप लोग सब बोलते हैं कि हमें बहुत इजी आता है, लेकिन नहीं आता है अगर, तो अपन उसको क्लियर करेंगे। 8 फंडामेंटल की क्लास आपको मिल भी जाएगी अगर आप लोगों की क्लियर नहीं हो चीजें तो। ठीक है, ये चीजें, इससे रिलेटेड कुछ चीजें फिर आती है, जैसे कि हम बोलेंगे कि कुछ कंटेम्प्रेरी स्कूल्स के बारे में आ जाता है, आइकोनोग्राफी के बारे में आता है, तो उसको हम लोग सेपरेट थोड़ा सा छोटे वे में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। जो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको हम, और एक चीज जो महत्वपूर्ण होती है वो होती है पेंटिंग्स, आर्ट वर्क, उसका आप अध्ययन करें आर्टिस्ट के साथ ही, जैसे आर्टिस्ट के साथ भी और आर्टिस्ट के अलग भी। पेंटिंग्स और आर्टवर्क्स, उसका भी एक सीरीज आपको बनाया था। प्लस खुद गूगल करो, ज्यादा से ज्यादा गूगल करो चीजें। आर्टिस्ट, किसी भी आर्टिस्ट को पढ़ो तो उसके सारे वर्क देख डालो कि इस तरह से काम करता था, इसके ये टाइप था। तो इससे आपको सब तरह के क्वेश्चन बनेंगे। मैथ्स द कॉलम में भी आता है, सीक्वेंस अरेंजिंग में भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। ये चीजों के अलावा जो आपकी चीजें आती है आर्टिस्ट, तो आपको जो इंडियन आर्टिस्ट हैं उनको तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना है। एक दिन होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगी ना उसमें करेंगे, आर्टिस्ट अभी नहीं करेंगे। तो उसमें आप लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब शुरुआत कैसे राजा रवि वर्मा से हुई और आज तक के आर्टिस्ट कैसे रहे, तो आपको वो चीजें थ्रो टाउन टाइम लाइन पढ़िए। नेट परस्पेक्टिव से बता रही हूँ कि वो चीजें आप थ्रो पूरी कंप्लीट टाइम लाइन के अनुसार पढ़ें कि वो कहाँ से वरिष्ठ थे और रहे। क्योंकि आर्टिस्ट में आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस अरेंज करने के, सीक्वेंस कैसे अरेंज करने हैं वो आपका सबसे पहली चीज आती है। ठीक है, तो आर्टिस्ट को आप ऐसा कंटेम्प्रेरी वे में देख लें। प्लस वॉइस क्लियर नहीं है कह रहे हैं। यही थोड़े इश्यू आने लग जाते हैं, इसलिए अभी ठीक है वॉइस, क्योंकि नेटवर्क इश्यू तो नहीं है, नेटवर्क फुल है। अभी वॉइस ओके है, ठीक है ना। तो आर्टिस्ट को भी देखना है, उनको भी आप पूरा कंटेम्प्ररी स्टार्टिंग से लेकिन एंड तक टाइमलाइन से पढ़ लेंगे अगर, तो आर्टिस्ट की डिटेल जाने की मतलब नहीं है। मतलब डिटेल इतनी जरूरी नहीं होता नेट के परस्पेक्टिव में, आर्टिस्ट को डिटेल जाना इतना जरूरी नहीं होता। जितना जरूरी क्या होता है, जितना जरूरी आपको उनकी टाइमलाइन पढ़नी है। इतना जो अभी हम लोगों ने एग्जाम देखी है वो एग्जाम में हम लोग ये चीज समझते हैं कि आजकल टाइमलाइन के क्वेश्चन ये लोग सीक्वेंस अरेंज करने के आर्टिस्ट के ज्यादा दे रहे हैं, तो ये चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओवरऑल ये मोटे मोटे तौर पर ये चीजें पढ़नी है ना। अभी शुरुआत हम लोग करते हैं, आप लोगों में से भी बता सकते हैं भले कि हम किस चीज से शुरुआत करें, टाइम लाइन उससे। कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो मैं फिर सोच रही हूं कि इंडियन आर्ट को ही शुरू करते हैं। इंडियन आर्ट की 2 मिनट टाइमलाइन के साथ सब चीजें चलती जाएगी, जिसके बारे में जिसकी चीज रिलेटेड आर्टिस्ट, आर्टिस्ट नेक्स्ट क्लास में होगा, आर्टिस्ट संडे को होगा। आर्टिस्ट को छोड़ के बोलो, आर्टिस्ट है ना। ठीक है, फंडामेंटल्स आ रहे हैं जो पहला आया है। आर्टिस्ट में पहले बोल चुकी हूँ, फंडामेंटल्स 5 मिनट की क्लास होगी, उसको फटाफट कंप्लीट कर लेना। फंडामेंटल्स क्या होते हैं किसी भी चीज का, उसके बाद इंडियन आर्ट शुरू कर देंगे। ठीक है, फंडामेंटल्स क्या होता है, उसमें आपको जो देखना है वो एलिमेंट देखने सबसे पहले, है ना। कोई भी आर्ट है, किसी भी चीज को आप अगर पेंटिंग बनाते हैं तो उसके एलिमेंट जो हम बेसिकली देखते हैं स्टार्टिंग से देखते हैं क्या थे, जिसमें आपका पूरा स्कोर होना चाहिए। ठीक है, टाइपोग्राफी भी इसके बाद लेते हैं उसके साथ, है ना। देखो, लाइन होता है, फॉर्म होता है, रूप बोलते हैं जिसको, रेखा रूप। ठीक है, रेखा रूप, टेक्सचर, टोन, स्पेस,
कलर, ठीक है, सीक्वेंस जरूरी नहीं है, पर ये चीजें होती है। कोई भी पेंटिंग फंडामेंटल, मतलब किसी भी आर्टवर्क हो, किसी भी पेंटिंग हो, उनमें ये सब चीजों से मिलके वो पेंटिंग बनती है। तो सबसे पहले कोई भी चीज है रेखा, रेखा होती है लाइन। आप कोई भी पेंटिंग बनाएंगे, सब कोई भी पेंटिंग बनाएंगे या किसी भी चीज को देखेंगे, सबसे पहले आप उसकी रेखा को ही देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो रेखा का बनता है, रेखा कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः रेखा दो प्रकार की होती है। आप चाहें तो आंसर साथ साथ कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन भी करूंगी तो मैं नहीं देखूंगी, आप कर सकते हो। मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सीधी रेखा जिसको सिंपल रेखा बोलते हैं, एक होती है कर्व्ड रेखा जिसको वक्र रेखा कहते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः दो प्रकार की रेखा होती है, सिंपल एंड कर्व्ड, ये ध्यान रखना। टाइप्स इनके क्वेश्चन में आता है, ठीक है। प्लस एक चीज जो रेखा की आती है, आप लोगों ने देख लेनी, जो आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये सब उसके बेसिक टाइप्स नहीं है, ये उसके प्रभाव के हिसाब से टाइप्स हैं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पायरल्स बोलेंगे, जिगजैग बोलेंगे, इसका जो आपको ध्यान रखना है, इसका आपको इसके प्रभाव ध्यान रखना है। प्रभाव ध्यान रखने मतलब जैसे कि हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल चीज क्या देती है, एक स्टेबिलिटी शो करती है, ट्रैंक्विलिटी शो करती है कि चीज बहुत संतुलित है, बैलेंस है। वर्टिकल है तो वो भी बैलेंस भी शो करती है कि ना ये इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा, ये क्या होता है, स्ट्रेट रहता है, ये इसका बैलेंस होता है, ये इसकी दृढ़ता होती है कि ये खड़ा है एक चीजों में, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रभाव है वो आपको सेपरेट स्टडी करनी है, क्लास में आपको मैंने बताया, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। स्पाइरल है जैसे, तो वो क्या मूवमेंट देता है, तो ये बड़ा दिमाग लगा के अगर कोई क्वेश्चन आता है कि ये मूवमेंट किस इस लाइन से क्या प्रभाव आता है या ये प्रभाव किस लाइन से आता है, तो इस चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है, ठीक है। अब आते हैं रेखा पे, इतना ही देखना है, रेखा के प्रकार कितने, रेखा होती क्या है, दो बहुत सारी बिंदु को मिला के जो चीज बनती है वो रेखा होती है, उसके सिंपल प्रकार ये होते हैं, और इससे प्रभाव क्या आता है, इफेक्ट क्या आता है, वो चीज देखनी है, ठीक है। दूसरा चीज आती है आपकी फॉर्म, रूप कहते हैं जिसको, मतलब किसी भी चीज का शेप क्या है इन जनरली में, ठीक है, इन जनरल में किसी भी चीज का शेप क्या है वो आपका प्रभाव रूप होता है, ठीक। लेकिन शेप और फॉर्म एक नहीं होते, शेप जो होता है वो टू डायमेंशनल के लिए होता है, जब वो चीज थ्री डायमेंशनल के फॉर्म में अगर हम बनाते हैं तो उसका कंप्लीट रूप हो जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रख ना। प्लस अगर हम रूप के टाइप्स पूछते हैं कि रूप कितने प्रकार के हैं, तो रूप हमेशा दो प्रकार के होंगे, एक सिमेट्रिकल बोलते हैं, एक एसिमेट्रिकल बोलते हैं, एक इसको क्या बोलते हैं हिंदी में भूल जाती हूँ बार बार, क्लास में कोई लोग बता देता है, ठीक है। आप लोग इन जनरली सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल से याद रख लो, कैसे होगा कि किसी भी कोई भी रूप को अगर हम एक एक्सिस से बांटेंगे, अगर दोनों तरफ इक्वल होगा, है ना, दोनों तरफ इक्वल होगा तो वो सिमेट्रिकल रूप होता है, और दोनों तरफ अगर अनइक्वल होगा, एक्सिस मतलब बीच को काटने वाली, तो कोई भी चीज है अगर पूरे संसार में, या तो वो सिमेट्रिकल रूप होता है उसको, या एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ अनइक्वल चीज है, ठीक है। एक नॉर्मल बॉल लोगे उसको तोड़ोगे तो ये इसका सिमेट्रिकल रूप है, लेकिन जब आप एक शेप कोई सा ऐसा रोगे और उसको तोड़ोगे, हाँ वो सापेक्ष निरपेक्ष इज डिफरेंट, सममित, हाँ सममित ऐसे बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज हो गया, प्लेटो ने भी इसी रूप को दो भाग में बांटा है, और डार्क होता है, ठीक है, और कुछ भी इसमें देखने की जरूरत नहीं, कुछ टोन का प्रभाव, टोन को हम इस चीज में भी यूज करते हैं, टोन के लिए आता है कि वो टू डायमेंशनल को थ्री डायमेंशनल बनाने में यूज आती है, ये इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि किसी भी चीज को अगर आप टू डायमेंशनल एक नॉर्मल ड्रॉइंग कर दी, लेकिन जब हम 3D कैसे बनाते हैं, 3D हम उसमें शेड डाल के बनाते हैं, और शेड क्या होता है, वो यही टोन होता है, तो ये चीज आपको टोन में ध्यान रखनी है। चौथी चीज आती है टेक्स्चर, टेक्स्चर ये होता है कि किसी भी चीज का मटेरियल कैसा है, किसी भी चीज को आपको बताना है कि ये कपड़ा है, ये लकड़ी है, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ टेक्सचर को बताते हैं, उसकी टैंजिबिलिटी क्या है, उसको आप छू के जो चीज को समझते हैं, ठीक है। तो टेक्सचर है, टेक्सचर बेसिकली तीन टाइप का होता है, इसमें भी बस इतना ही ध्यान रखना है, एक होता है नेचुरल टेक्सचर, दूसरा होता है आर्टिफिशियल टेक्सचर, और तीसरा होता है कॉपी टेक्सचर, बस, ठीक है। एक टेक्सचर होता है नेचुरल पोत, जिसको हाँ टेक्सचर को पोत कहते हैं, तो एक होता है नेचुरल टेक्सचर जिसको हम बोलेंगे कि कोई भी पत्थर वगैरह पे आपने अगर पेंटिंग बना ली, जो चीज आपको नेचुरली मिला है, और उसको आपने एज अ टेक्स एज अ सरफेस यूज किया है, तो वो उसका टेक्सचर आपके लिए नेचुरल कहलाएगा। आर्टिफिशियल ये कि आप अगर किसी आर्टिफिशियल, धरातल अलग होता है, धरातल स्पेस होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल अगर आप किसी टेक्सचर पे, किसी आर्टिफिशियल स्पेस पे अगर दूसरा टेक्सचर क्रिएट करो, मतलब मान लीजिए आप एक पेपर पे ईट का टेक्सचर यूज कर रहे हैं, तो वो आपका आर्टिफिशियल टेक्सचर होता है कि हमने आर्टिफिशियल टेक्सचर यूज कर रहे हैं। कॉपी टेक्सचर मतलब कि आप किसी उसी टेक्सचर का, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल भी मानते हैं इसको, कि आप जो टेक्सचर है एक्चुअली वो है नहीं, और आप उसको
कॉपी करके क्रिएट कर रहे हैं। तो मोस्टली कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट जो है, इतना याद रखना, के हैबर हो गए और जे स्वामीनाथन, ये हो गए, ये लोग जो है कॉपी टेक्सचर यूज करते हैं। जबकि हाँ, और कॉपी टेक्सचर वहां भी यूज हुआ था पटना कलम में, इतना याद रखना। पटना के समय भी हम क्या कॉपी टेक्सचर यूज करते थे। इसका मतलब ये है कि आप सिंपल प्लेन पेपर पे आप अगर उस चीज को ईंटों का और इधर का टेक्सचर दे रहे हो तो वो आपको कॉपी टेक्सचर कहलाता था। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब हम देखते हैं, ये हो गया टोन, हो गया टेक्सचर, हो गया। पांचवी चीज होती है जो कि होगा, पहले ये देखूंगी क्योंकि कलर एंड में देंगे, स्पेस। स्पेस क्या होता है? स्पेस होता है किसी भी चीज का अंतराल, जिसको आप बोलेंगे कि कोई भी चीज, पेंटिंग जिस पे भी बन रही है वो उसका स्पेस है। अगर आप वो वॉल पे बन रही है तो उसका वॉल स्पेस है, कैनवस पे बन रहा है तो कैनवस स्पेस है, और पेपर पे बन रहा है तो पेपर स्पेस है। तो किसी भी चीज का जो स्पेस होता है वो उसका मतलब किसी भी चीज जिस पे वो बन रही है वो उसका स्पेस होता है। ठीक है, दूसरी चीज आती है स्पेस। हो गया, स्पेस दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव स्पेस मतलब कि जो जो फिगर बन रहा है वो पॉजिटिव है और उसका जो बैकग्राउंड है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये इसको अंतराल बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, समरांगण सूत्रधार में अंतराल को या स्पेस को क्या कहा जाता है? कोई क्वेश्चन का आंसर दे दे मुझे इस कमेंट सेक्शन में। समरांगण सूत्रधार जो है बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें स्पेस को क्या कहा गया है वो आपको आंसर देना है। ठीक है, इतनी चीज हो गई। उसके बाद हम लोगों का ये चीजें तो हो जाती है। और जी बिल्कुल सही, भूमि बंधन कहते हैं, तो भूमि बंधन कहा जाता है समरांगण सूत्रधार में। ठीक, हो गया। प्लस स्पेस डिवीजन होता है, तो स्पेस डिवीजन भी होता है, एक ज्योमेट्रिसिटी भी होता है, तो उसको हम सम डिवीजन, सिमेट्रिकल डिवीजन बोलते हैं। ए सिमेट्रिकल डिवीजन तब होता है जब आपका डिवीजन इक्वल नहीं रहता है। ठीक, अब इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कलर। ठीक है, कलर क्या है? तो कलर प्रकाश का एक गुण है। ऑब्वियसली वो कलर, जो भी कलर होता है वो ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन वो हमारी आंखों को दिखता है। ठीक है, क्यों दिखता है? क्योंकि वो सनलाइट उस चीज पे पड़ती है और जब वो रिफ्लेक्ट होके हमारे उसमें आती है, हमारी आंखों पे पड़ती है, तो वो हमारा जो कलर होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमें कलर दिखने लग जाता है। ठीक है, वो एज पर वेवलेंथ होता है। ठीक, तो ये प्रकाश का गुण है। प्लस कलर जो होता है, कलर के टाइप्स आप लोग देखिए, उस बारे में क्वेश्चन आ चुके। कलर तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी कौन सा होता है? रेड, ब्लू, येलो, ये प्राइमरी कलर है। लाल, लाल, पीला, नीला, बेसिक कलर। इन दोनों को मिलाएंगे, रेड और येलो को, तो ऑरेंज बनेगा। ब्लू और येलो को बनाएंगे ग्रीन बनेगा। रेड और ब्लू को मिलाएंगे और तो वायलेट बनेगा। तो ये तीन कलर जो हो जाते हैं आपके, कौन से कलर हो जाते हैं? ये सेकेंडरी कलर हो जाते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी कलर वो कि जिनको वो किसी भी दो कलर से मिलके बनेंगे नहीं तो वो प्राइमरी कलर है। लेकिन दो प्राइमरी कलर को मिला के अगर आप बनाओगे तो वो आपका सेकेंडरी कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज हो गई। फिर रेड ऑरेंज, इन दोनों को मिलाएंगे, ऑरेंज येलो, ग्रीन येलो, ब्लू ग्रीन, वायलेट ब्लू, वायलेट रेड, ये जो कलर्स होते हैं ये टर्शरी कलर्स होते हैं। तो उन जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो देखो ये तीन होते हैं, ये तीन होते हैं और ये छह होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया टर्शरी कलर कितने हैं, तो छह हैं। ठीक है, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब ये हो गया, ये आपका रंग चक्र था। अब रंग चक्र में ही एक क्वेश्चन और बनता है कि आपके कूल कलर्स क्या होते हैं और वार्म कलर्स क्या होते हैं। तो कूल कलर्स हमेशा रेड येलो की प्रवृत्ति के होंगे, जैसे कि ये वाला, यहां से लेके ये यहां तक के जो कलर्स हैं, ये आपके, ये एरिया जो है ये आपका हो जाएगा कूल कलर्स का। ठीक है, और ये एरिया जो होता है ब्लू, ब्लू ग्रीन का जो भी चीजें होंगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, सॉरी, ये वार्म कलर्स होते हैं रेड ग्रीन के, और ये कलर्स जो होंगे वो कूल कलर, नीले कलर ठंडे कलर, लाल कलर गर्म कलर, इतना जाए। लाल और पीले के जो भी ह्यू में होगा वो सब आपका कूल कलर्स में जाएगा और बाकी वार्म कलर्स में जाएगा। कूल कलर्स को एडवांसिंग कलर्स बोलते हैं और इनको प्रिसीडिंग कलर्स बोलते हैं। ठीक है, हमेशा जो, सॉरी कूल नहीं, वार्म कलर्स, रेड वाले कलर्स को हमेशा एडवांसिंग कलर कहा जाता है और इनको प्रिसीडिंग कलर्स कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखना। अब बता रही हूँ शांति, है ना, ये हो गया। अब फिर से आ जाओ इसी उस पे, रेड येलो ब्लू ग्रीन वायलेट ऑरेंज। ठीक है, ये आपके थे इधर से वार्म कलर्स, इधर से हो गए कूल कलर्स। ठीक है, अब हम चीजें को
और आगे बढ़ते हैं तो कलर स्कीम पे आते हैं। तो कलर स्कीम की बात करें या प्रॉपर्टीज की जो भी, तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स किसको कहते हैं, ये सब टर्म्स होती हैं, तो याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स किसको कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, चार कलर्स दे देंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये है कि ये, इनमें से कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से, ऐसे करके आ जाएगा। तो सीधी बात है, जो कलर व्हील में ऑपोजिट है वो कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे रेड के अपोजिट ग्रीन है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, ऑरेंज के अपोजिट ब्लू है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, येलो के अपोजिट वायलेट है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे भी याद रख सकते हो। मैं तो सीधा सिंपल आंसर बोलती हूँ कि जब भी कॉपी में आए, आपके पास रफ वर्क होता है, आप क्वेश्चन आए, आप यही ड्रॉ करें और इससे क्लियर करें, और नहीं कर सकते तो ये करो कि रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री है उस वो ग्रीन है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ग्रीन क्या है, मतलब रेड ब्लू और येलो, रेड को छोड़ के जो दो कलर बने बचेंगे उन दोनों को मिलके जो है वो उसका विरोधी कलर, क्यों, क्योंकि ग्रीन में रेड की मात्रा नहीं है। बस इतनी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर बिना उसके भी आपको करना है तो। ये कॉम्प्लीमेंट्री एनालॉगस होते हैं जो पास पास के कलर रहते हैं, जैसे रेड और ऑरेंज, हाँ रेड और रेड वॉलेट, रेड और ऑरेंज, ये सब क्या है, एनालॉगस कलर है, समीपवर्ती कलर है। कॉम्प्लीमेंट्री को हम क्या बोलते हैं, विरोधी कलर बोलते हैं, ठीक है, विरोधी रंग कहते हैं। तो इतनी चीजों को ध्यान रखना है, एनालॉगस हो गया है ना, और उसी हिसाब से कलर स्कीम होती है। एक ध्यान रखना है आपको, मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही रंग की डिफरेंट टोन्स, ठीक है। व्हाइट को कलर नहीं बोलते, व्हाइट और ब्लैक को कलर नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि वो शेड और टिंट कहलाता है, व्हाइट मतलब टिंट, ब्लैक मतलब शेड, है ना, इसलिए वो कलर व्हील में स्थान नहीं ग्रहण करता है, ठीक है। जो है अपने वो विष्णु धर्मोत्तर, उसमें व्हाइट ब्लैक को कलर माना है, इसलिए पांच कलर माने, लाल पीले नीले और सफेद काला, विष्णु धर्मोत्तर में पांच कलर माने इसलिए, ठीक है। लेकिन हम एज पर जो न्यूटन लॉ ये पढ़ते हैं, इसमें ये है कि व्हाइट एंड ब्लैक इज द शेड एंड टिंट, और ये जो कलर व्हील में उसको स्थान नहीं मिलता है, ठीक है, हो गई इतनी चीज। अब मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, हाँ दे आर न्यूट्रल कलर्स, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक होता है मतलब एक ही कलर के आप विभिन्न टोन्स बना दो, एक ब्लू के ही विभिन्न टोन्स, तो वो मोनोक्रोमेटिक होता है। एक्रोमेटिक क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं न्यूट्रल कलर भी बोलते हैं, वर्ण शून्य बोलते हैं। वर्ण शून्य क्या होता है कि जब लाल ब्लैक एंड व्हाइट, अब वर्ण शून्य वर्ड ही समझ आ गया, वर्ण जीरो, वर्ण जीरो तो ब्लैक एंड व्हाइट है मतलब कलर है ही नहीं, आप खुद समझे, तो ये चीज आपकी वर्ण शून्य होती है। और पॉलीक्रोम जो होता है, पॉलीक्रोम आपको पता है मोर देन वन रंग जब हो जाता है तो वो पॉलीक्रोम होता है, ठीक है। इतनी चीजें कलर की थी, अब और कलर की आती है, कलर की एक चीज जो आती है वो आती है प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज। तो कलर की मुख्यतः तीन क्वालिटीज होती हैं, यू होता है जिसको रंगत बोलते हैं, फिर आपका ये होता है क्या बोलते हैं, वैल्यू होता है जिसको मान बोलते हैं, और इंटेंसिटी होता है, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो पता नहीं क्यों, इतनी बार पढ़ाया भी है ये, क्रोमा बोलते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, इसका तीव्रता, ठीक है। तो ये है तीव्रता, सघनता, जो भी बोले, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। र्यू मतलब किसी भी चीज की रंगत क्या है, वो लाल है, पीला है, नीला है, क्या वो लालपन में है, नीलापन में है, पीलापन में। एग्जाम्पल के लिए येलो ऑकर कलर आपने सुना है, क्रोम येलो सुना है, लेमन येलो सुना है, तीनों कलर अलग अलग हैं ऐसा बोलते हो, लेकिन तीनों की रंगत एक है पीली, तो ये उसकी रंगत कहलाती है ना। एग्जाम्पल देख के बताऊंगी, वैल्यू, वैल्यू मतलब किसी भी चीज का लाइटनेस और डार्कनेस, वैल्यू को थोड़ा सा देख में देखो, वैल्यू मतलब किसी भी चीज का लाइटनेस और डार्कनेस। जब हम किसी भी कलर में व्हाइट कलर मिलाएंगे तो उसका टिंट बढ़ेगा, वो उसका टिंट होगा, और जब भी किसी कलर में ब्लैक कलर बनाओगे तो वो उसका शेड होगा, ठीक है। अगर जैसे जैसे व्हाइट कलर बनेगा, बढ़ेगा, किसी भी कलर का मान या वैल्यू बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे ब्लैक कलर बढ़ेगा, किसी भी कलर का वैल्यू या मान घट जाएगी, इतना ध्यान रखना। नेट के परस्पेक्टिव में एक बार क्वेश्चन आया था कि जब कलर में कलर, कोई भी कलर की व्हाइट ब्लैक या कोई भी कलर को हम उसका शायद वो व्हाइट व्हाइट पन क्या बोल रहा था, कोई रिपीट करेगा, कुछ को याद हो तो। चलिए मैं ही बताती हूँ, मुझे याद आ गया, किसी भी कलर का लाइट और डार्कनेस को क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो आप लोग सब बोलते थे कि उसका आंसर वैल्यू आना चाहिए, उसका आंसर वैल्यू ही आना चाहिए, है ना, लेकिन नेट ने उसको टिंट माना था,
टिंट मतलब कि आप टिंट को हम एक उसकी व्हाइटनेस से भी यूज करते हैं और एक उसको इन जनरल फॉर्म में हम बोलते हैं उसका टिंट बढ़ाओ और टिंट घटाओ। तो टिंट बढ़ाओ का मतलब लाइट कर दो और टिंट घटाओ का मतलब डार्क कर दो। तो इसलिए वो टिंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इसलिए नेट में आंसर उन्हें टिंट माना था। उसका आंसर सही टिंट है, ध्यान रखना। और इंटेंसिटी इंटेंसिटी की बात बिल्कुल मत करो क्योंकि इंटेंसिटी तो बिल्कुल अलग है। इंटेंसिटी क्रोमा बिल्कुल अलग है, ये किसी भी रंग की बस शुद्धता है, प्योरिटी है, इतना याद रखना। प्योरिटी है, कोई भी रंग अगर धूमिल हो रहा है उसको, अगर आप किसी भी कलर को अगर आप ब्राउन से या उसके ग्रे स्टोन से मिक्स कर दोगे तो वो कलर हो जाएगा धूमिल, आप खुद जान देखते हो ना, धूमिल हो जाएगा। और उसी को बोलते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी जो प्योरिटी है कम हो जाती है जब हम उसको किसी दूसरे कलर से मिला देते हैं, है ना, अर्धी कलर से मिला देते हैं। तो बस वही चीज है कि इंटेंसिटी क्रोमा वो भी कलर की प्रॉपर्टी होती है, डिसाइड करता है कि वो कितना शुद्ध है। और शुद्ध कितना होगा, जितना उसकी चीजें कम हो जाएगी, उसमें जो मिले हुए कलर्स हैं और ये सब कम हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी कथा जो थी आपकी आर्ट फंडामेंटल्स में आती है। इसके बारे कुछ रहा हो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि यार ये भी आता है तो आप बता दो, मैं समझती हूँ कि उसके बाद हाँ ये सब चीजें आ जाए। अगर पर्सपेक्टिव आपको पता है, पर्सपेक्टिव क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लीनियर होता है, दूसरा होता है एरियल होता है। लीनियर मतलब कोई भी चीज जितनी पास है वो उतनी बड़ी दिखेगी और जितनी दूर है वो उतनी छोटी दिखेगी, लाइंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। एरियल जो है कोई भी चीज जितनी पास है वो उतनी क्लियर दिखेगी, जितनी दूर होगी वो उतनी धुंधली दिखेगी एरियल के उस पे, ठीक है। लीनियर पर्सपेक्टिव जो होता है फर्दर थ्री टाइप्स के होते हैं या मोर देन थ्री टाइप्स भी होते हैं, जिसको वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल आप बोलते हो, वन डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है। उससे ज्यादा उस चीज को नहीं है। प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं, तो प्रिंसिपल्स देखो थोड़ा सा मैं वही बता रही हूँ कि इतना जिस चीज में का वेटेज नहीं होगा मैं नहीं बताऊंगी। प्रिंसिपल्स की आपको एक क्लास मिल जाएगी, आपको देखना चाहो तो आप बहुत अच्छे से उसको समझा रखा है, एक एग्जांपल देके समझा रखा है। तो प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, वही चीज है, प्रोपोर्शन है किसी भी चीज का नाप, तो यूनिटी है कि आपके पेंटिंग में कैसे एकता है किसी भी चीज का, है ना। देखो जिसका जो वेटेज होगा मैं इसलिए उसको उतना टाइम नहीं दूंगी उसके लिए। फिर हारमोनी है, हारमोनी मतलब के आप कैसे आपका जो विषय चीजें हैं वो विषय में संयोजित ला रही है, मतलब एक हार्मनी प्रोवाइड कर रही है आपको, उसमें सब ढंग से मिलेगा। मैं उसको एग्जांपल से ही बता पाती हूँ, आपको भी पता है, ठीक है। कंट्रास्ट किसी भी चीज का क्या होता है, कंट्रास्ट ये होता है कि आप लाइट को डार्क के बीच में रखो, डार्क को लाइट के बीच में रखो। जैसे अगर हम किसी भी चीज का डार्क टेक्सचर लगाते हैं, मोटा टेक्सचर लगाते हैं, तो अगर हम उसके पास एक लाइट टेक्सचर लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि कंट्रास्ट क्रिएट हो। आप इन जनरली उस चीज को यूज करते हो। रेपिटेशन भी एक वर्ड आता है, रेपिटेशन मतलब कि बैलेंस क्रिएट करने के लिए जब आप पेंटिंग में एक एलिमेंट को दो तीन बार रिपीट करते हो ताकि आपकी जो आंख है वो कंप्लीट रिदम में घूमे, तो वो आपका रेपिटेशन होता है, ठीक है। और बाकी चीजें आपको क्लियर करनी है तो आप डार्क क्लास मतलब बड़े क्लास में कर लेना, ठीक है। अब हम जो मैं चालू कर रही हूँ वो कर रही हूँ आपकी ये, ठीक है। इसका ब्रीफ लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या आ सकता है वो चीज, ठीक है। देखो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन टाइमलाइन है, और कुछ जो भी पूछना हो आप कमेंट में डाल देना। क्या हो जाता है, ठीक है। अब हम जो देख रहे हैं टाइमलाइन, इंडियन आर्ट को शुरू कर रहे हैं, वो बहुत बहुत ही छोटे वे में शुरू करेंगे, जितना हो पाएगा इसमें बता देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले शुरू होता है आदिकाल की कला, प्री हिस्टोरिक आर्ट, अर्ली आर्ट, ठीक है। इसके टाइम लाइन पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान बेसिकली देखना है, कोई कहीं बुक में 50,000 ईसा पूर्व मिलेगा कहीं, लेकिन ये 300 ईसा पूर्व तक का टाइम था, प्रागैतिहासिक फल फूल ये सब खाते थे, प्लस इसी के अंदर ये एक मोटे मोटे तौर पे इसी के अंदर हम आगे वो अपनी सभ्यताएं भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बुद्ध काल में आते हैं, जब हम अगली चीज जो है मेसिक टाइम में, कि जब धीरे धीरे सभ्यताएं बनी, लोग रहने लगे, और फिर धर्म की उत्पत्ति हुई, वेदों का निर्माण हुआ, और उसके बाद वेदों का निर्माण हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, हिंदू धर्म में बोले तो लोग राजा महाराजे हुए, और फिर आपको पता है गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे महान लोग जब भारत में आए, रहने आए, धरती पे आए, तो उन्होंने बुद्ध धर्म, जैन धर्म, इनकी स्थापना करी, ये वो टाइम था। तो उनसे रिलेटेड जो जो भी चीजें
आर्टवर्क हुए, चाहे वो गुफा में हुए, पेंटिंग में हुए, स्कल्पचर में हुए, ये हमको यहाँ पे देखना रहता है, ठीक है। उसी के आगे फिर हम उसी बुद्ध पीरियड में बहुत सारे राजा थे जो उसके अनुयायी थे, वो हम देखेंगे। फिर हम आते हैं गुप्त पीरियड में, जो हम जिसको हम हिंदू काल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इस समय काफी पेंटिंग्स बनी, मंदिर बने, और मंदिर का मोस्टली जो टॉपिक वगैरह था वो आपके हिंदू धर्म से रिलेटेड था, और तीनों धर्म से रिलेटेड था वैसे। और वो क्या बोलेंगे इसको, गोल्डन एज कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन आर्ट का गोल्डन एज, स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, गुप्त पीरियड कहते हो, ठीक। फिर आते हैं प्री मेडिवल पीरियड, मेडिवल पीरियड आएगा, फिर मेडिवल पीरियड आएगा, मतलब पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, लेट मेडिवल पीरियड और 19वीं शताब्दी आधुनिक। अभी क्या था वो अपन देख लेते हैं। आदिकाल की कला, जिसको आर्ट ऑफ अर्ली पीरियड भी कहते हैं, 30,000 से 300 ईसा पूर्व। आदिकाल की कला में सबसे पहले आपका आता है प्रागैतिहासिक काल, 30,000 से 3,000 ईसा पूर्व की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं देखना, जो अभी लास्ट टाइम क्वेश्चंस आए थे कि कलर कौन सा यूज होता है, तो कलर जो है रेड ऑकर कलर यहाँ पे ज्यादा यूज होता है। इनका जो एक कॉमन स्पेस है, धरातल है, वो आपका क्या होता है, आपका पत्थर होते हैं, गुफा होती है, ठीक है। इस समय मनुष्य धरती पे आया था, उसको कुछ भी समझ नहीं आता था, और समझ तो आता था पर बोलना चालना की भाषा, या हम बोलेंगे कि इन जनरली जो भी टाइम पीरियड था वो आपको इसमें देखना रहेगा, ठीक है। फिर हम बोलेंगे एक क्वेश्चन ये आ जाते हैं इस तरह के इस समय, और एक साइट है, जैसे कि बहुत सारे साइट्स होती हैं आपको देखना है, लेकिन जो आपको मेन उसमें देखना है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, तो मिर्जापुर में सबसे पहले पेंटिंग्स 1880 में, जो होते प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का जॉन कॉकबर्न, आर्किबेल्ट कार्लियल ने उसका इन्वेंशन किया था, ये चीजें हो गई। प्लस आपको देखना है कि भीमबेटका एक बहुत बड़ा सेंटर है, सेंटर बहुत सारे रहे हैं एमपी में, पचमढ़ी, एमपी में सबसे ज्यादा साइट्स मिली है प्री हिस्टोरिक की, प्रागैतिहासिक की, ठीक है। पचमढ़ी हो गया आपका, भोपाल हो गया, होशंगाबाद, मिर्जापुर में, यूपी, बिहार, सिंघनपुर, ये सारे मेन चीजें हैं, मेन सेंटर्स हैं जहाँ पे हमको प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स देखने को मिलती है। डिटेल क्लास आप लोग देख सकते हैं, जिसकी डिटेल मैं दे चुकी हूँ, उसको मैं ज्यादा खींचूंगी नहीं। भीमबेटका को 2003 में आपको बोलेंगे कि वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया था, प्लस हम बोलेंगे कि वीएस वाकनकर ने इनकी खोज की थी, और भोपाल में ये है, और काफी काफी चीजें हैं बाकी तो, लेकिन इतनी चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, आदि ऐतिहासिक काल, ये उसको भी कहते हैं जो सभ्यता का काल होता है, जिसमें हम बोलेंगे कि सिंधु नदी के पास जो भारत पाकिस्तान की सभ्यता कहलाई, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें हमको ये चीजें देखनी रहती है, ठीक है। प्लस उसके बाद एक चीज और देखो, इसमें जो आपको देखनी है मुख्यतः दो तीन मूर्तियां देखनी है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मूर्ति जो आती है वो आती है नर्तकी की मूर्ति, बहुत बार बार पूछा है, डांसिंग गर्ल, इसके बारे में आपको देखना है। ये किसी सीक्वेंस अरेंजिंग में भी आ सकती है, मेल्स द कॉलम में भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, और इसके सामने क्या क्या चीजें आती है वो भी बताते हैं। नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी, ये अभी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। प्लस इसका मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज का है, ठीक है, ब्रॉन्ज का है, कास्ट का है, ये भी आता है, कास्ट की बनी हुई सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सी है, तो नर्तकी की मूर्ति है, और ये लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से बनी गई है, उसको याद रखना आप लोग, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक, जिसको आप क्या बोलते हैं हम लोग, धातु ढलाई की तकनीक है। तो ये सबसे पुरानी मूर्ति है जो लॉस वैक्स कास्टिंग से मिली है, वो भी आपकी नर्तकी की मूर्ति है। तो ये प्री जो हम बोलेंगे सिंधु घाटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस अभी लास्ट क्वेश्चन में आया था कि लोथल आ गया था, तो ये कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है। ढोलावीरा अभी जो 40th इंडो साइट बनी है, उसको आप याद रखना, गुजरात में है, और ये साइट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी लगी है, ठीक। प्लस हम और बात करें तो ये हो गया, ये धड़ की, पुरुष धड़ की ध्यान रखना, पुरुष धड़ का जो है नेशनल म्यूजियम में, और योगी की पुजारी मूर्ति वो भी मोहनजोदड़ो में मिली है, ये हड़प्पा में मिली है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। तो ये चीजें बहुत बेसिक्स हैं, आप लोगों को सबको ये चीजें पता होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे जो बर्तन भांडे मिले हैं वहां पे डिजाइनिंग हुई है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन हुई है, रेड पॉटरी पे ब्लैक डिजाइन हुई है, ठीक है, और कुछ तो है नहीं है, मेन ये सेंटर्स हैं। एक आया था अभी कि लोथल,
लोथल कौन सी जगह, मतलब कौन सी जगह है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि लोथल वो द एरिया ऑफ पोर्ट, पोर्ट मतलब ये जो आपके पानी वगैरह की चीजें होती है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत होता था, तो इसलिए वो क्वेश्चन पूछ लिया था, ध्यान रखना ठीक है, क्लास देख लेना डिटेल में देखना हो तो। फिर आ जाते हैं हम लोग मौर्य पीरियड में, प्री मौर्य पीरियड, जिसको हम बोलेंगे कि पिपरवा का स्तूप सबसे एंशियंट स्तूप माना जाता है वो वाली चीज, और जोगीमरा की गुफा, वो कोई मौर्यकालीन बोलता है कोई उससे पहले की बोलता है, तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान पे देख सकते हो। जोगीमरा की गुफा में देखेंगे तो सिर्फ एक ही चीज देखेंगे कि छतों पर चित्रण हुआ है, लाल और सफेद ब्लैक कलर से हुआ है, रेड कलर की आउटलाइंस है, प्रेजेंट में ब्लैक कलर की आउटलाइंस है, और कुछ जो एक आम जनजीवन भी है और जैन धर्म से रिलेटेड गुफा है, बस इतनी। प्री मौर्यन में देखना तो पिपरवा का स्तूप देखना ठीक है। लोथल शायद नहीं, पक्का गुजरात में है, धोलावीरा भी गुजरात में है ठीक है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। अब आते हैं ये प्री हिस्टोरिक को डिटेल भी है, अरे वाह देख लो, मुझे खुद ही भूल गई थी कि ये सब है ना, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये उनके एरिया सेंटर है, उतनी चीज। प्रोटो हिस्टोरिक, ये सब कुछ सभ्यताएं होती है वहीं पे सिंधु घाटी की जगह, ये जो सभ्यताएं हुई है वो उनको अलग अलग उसमें डिवाइड किया है ठीक है। ये देख लो हड़प्पा है, ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा लोथल जो भी ठीक है, देख लेना ये सब कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है। अब हमारे प्री मौर्य, प्री मौर्य में यही ग्रीवाज, कौशाम्बी, लौरिया, नंदनगढ़, पिपरवा स्तूप बना है, पिपरवा स्तूप सबसे एंशियंट है, विहार घोषितराम का विहार, चैत्य लौरिया नंदनगढ़ का चैत्य, ये सब कब आएगा सीक्वेंस अरेंजिंग अगर आएगी तो आपको पता होना चाहिए, मौर्य पीरियड से पहले के टाइम की कहानियां हैं ये ठीक है, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट इसलिए मैं उसको स्किप करे जा रही हूँ। फिर आते हैं बुद्ध पीरियड में, 500 से 200-300 ईसा पूर्व टाइम ऐसा आ गया जब बुद्ध आए थे, पता है आपको बुद्ध का टाइम, गौतम बुद्ध का टाइम है ना, उस समय जब उनका आफ्टर महापरिनिर्वाण जो है टाइम आया, वो आया था मौर्य, शुंग, कुषाण, सातवाहन, ये जो है बुद्ध पीरियड में होता है, तो इस समय इनकी मूर्ति कला और आर्किटेक्चर देखते हैं हम लोग, और अजंता की पेंटिंग्स भी कहते हैं, सातवाहन पीरियड से अजंता भी बनना स्टार्ट हो गई थी ठीक है। तो ये एरिया था देखो, चंद्रगुप्त का एरिया था, शानदार एकदम, इतना कुछ था, चंद्रगुप्त मौर्य द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, उनका इतना बड़ा एम्पायर था। फिर उनके बेटे थे बिंदुसार, उनने कुछ भी ज्यादा काम नहीं किया, उनके समय सिर्फ ग्रीक इन्फेक्ट आया, और चंद्रगुप्त जो थे उनके समय पे नहीं लिखा है, चलो नहीं बताती हूँ, इनके समय पे भव्य राजप्रसाद बने, लोग आए मतलब वो बाहर के लोग भी, मेगस्थनीज वगैरह भी आते थे, प्लस लकड़ी से राज्य प्रसाद बने ठीक है, और वो राज्य प्रसाद नष्ट हो गए, आज नहीं है ना, तो इनके समय पे हम जो बोलते हैं पटना से जो है, पटना का, पटना के उधर एक पिलर्स वाला हॉल मिला है, प्लस एक कुम्भार जो होता है जिसमें कुम्भार पटना के पास ही है, पाटलिपुत्र मतलब प्रेजेंट पटना मतलब प्रेजेंट पाटलिपुत्र जो होता है ना वो प्रेजेंट पटना है ठीक है। तो कुम्भार के पास भी एक जो महल है, बोलते हैं अशोक ने बनाया है लेकिन शायद पहले स्टार्टिंग चंद्रगुप्त ने बना दी थी ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था, वहां की जो पिलर्स हैं उधर की पॉलिश बहुत चमकीली थी, तो उससे पता चलता है कि ये मौर्य पीरियड की, तो मौर्य पीरियड हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजप्रसाद वगैरह बने, और फिर अशोक जो है एट द कलिंग वॉर में बहुत लॉस के कारण बुद्धिज्म अपना लिया था, और बुद्धिज्म अपना के उन्होंने जो चीजें बनवाई थी, स्पेशली क्या क्या बनवाया था वो था, लिखा ही नहीं है चलो, स्तंभ बनवाए पिलर्स बोलते जिसको, और स्तूप बनवाए, राजप्रसाद बनवाए जिसको महल और वो गुफा मंदिर बोलो जो भी बोलो, और गुफा मंदिर बना है, ये चीजें बनवाई ठीक है। तो स्तंभ कुछ 30-40, स्तूप टोटल 84,000, ये सब उनने बनवाए थे ठीक है। हम उसमें वही देखते हैं, और पाटलिपुत्र सारनाथ, ये जो एरिया है, ये जो केंद्र है मौर्य पीरियड के समय, यहाँ पे यहाँ के आर्किटेक्चर, यहाँ की चीजें बनी थी, इंपॉर्टेंट मूर्ति आ जाती है इस परस्पेक्टिव, मेरे को पता नहीं क्यों इस बार बहुत इंपॉर्टेंट सी फील हो रही है ना, दीदारगंज की यक्षी क्वेश्चन आया था उस बार ठीक है, फोटो वोटो के परस्पेक्टिव से दीदारगंज की यक्षी अपनी बहुत अच्छी पॉलिश मूर्ति के लिए फेमस है, इसको चौरी बियरर, चवण धारणी भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट में पटना म्यूजियम में है, और ये लाइमस्टोन से बनी गई है ठीक है, सॉरी चुनार सैंडस्टोन से बनी गई है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मौर्य पीरियड के टाइम की है, पिछली बार क्वेश्चन आया था किस टाइम की है, तो वो ध्यान रखना मौर्य पीरियड के टाइम की है। हाँ हाँ
ठीक है, ये हो गया। और इस समय राजप्रसाद बने, पर जो इम्पोर्टेंट चीज में आती है, सारनाथ का जो स्तंभ है उसको ध्यान से देखना। आपको शायद फोटो वोटो भी भेजा था थोड़े समय पे, जिसको हम अपने नेशनल एम्बलम के रूप से भी जानते हैं। ठीक है, सारनाथ में जो पिलर है वो कैसे शेर आसपास बैठे हैं, और वो हमारा अशोक चक्र है, ये सब चीजें आप लोग उस समय देखना। ठीक है, फिर सांची पे भी वो है लौरिया नंदनगढ़ का जो पिलर है उसको ध्यान से रखना। रामपुरवा, इलाहाबाद, संकीसा, संकीसा का पिलर पे शीर्ष कौन सा है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो वो आपका हाथी का शीर्ष है। ठीक है, प्लस इधर इम्पोर्टेंट आती है बाराबर और नागार्जुन की कौन गुफाएं, जो कि है ना बिहार, गया बिहार में है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी बाराबर की गुफा, जिसमें लोमश ऋषि की गुफा बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत बार आती है। लोमश ऋषि की गुफा, जो हम बोलेंगे कि मौर्यन पीरियड की गुफा है, जब सीक्वेंस अरेंजिंग में भी आएगा तो आप सब पीरियड से इसको आगे रखोगे। सबसे पुरानी ऐसी गुफा है काष्ठ उत्कीर्ण की, मतलब वो पाषाण उत्कीर्णन की, जैसे कि हमको लगता है कि वो लकड़ी जैसा उत्कीर्णन हुआ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शुंग पीरियड। शुंग पीरियड में आपको देखना है सांची बरहूत, ठीक है। वीडियो स्टक तो नहीं हो रही, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है वीडियो स्टक हो रही है। ठीक है, नहीं हो रही है ना। फिर आता है शुंग पीरियड, उसमें देखना है आपको सांची और बरहूत। बरहूत में कैसे रेड रेड स्टोन से रिलीफ बनता है वो चीज, और बरहूत में जो देखना है शाल बंजी का यक्ष यक्षी देखना है, यक्ष है यक्षियां इस समय पे बनी है। बरहूत की मोस्टली जो चीजें हैं वो आपको कहाँ मिलती है, वो आपको कैलकटा म्यूजियम में देखने को मिलती है। एक सेपरेट बरहूत गैलरी बनी गई है, वो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सांची बोधगया और उदयगिरी खंडगिरी की गुफा है, कि जो आप जिसको आप क्या बोलते हैं शुंग पीरियड से ही रिलेटेड है, ओडिशा में है, और बस हारखेल राजा इन लोगों ने बनाई थी, पर उसका इतना जरूरी नहीं है। ठीक, सांची बरहूत केंद्र याद रखना, समय याद रखना। ठीक, फिर आ जाते हैं हम लोग सातवाहन पीरियड, जो कि जिसका केंद्र है अमरावती, नागार्जुन, कोंडा। इसी समय अजंता में भी गुफाएं बनी थी। कुछ मेन जो राजा इस समय रहे हैं गौतमीपुत्र, शतकर्णी, ये सब, तो अब इनको आपको देखना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना देखना है कि अमरावती जो है, नागार्जुन, कोंडा जो है, भाजे, कोंडाना, पीटलखोरा, भेटसे, कन्हेरी, ये सारी गुफाएं इनने इस समय बनाई थी। इनकी मोस्टली सब्जेक्ट बुद्धिज्म थे, लेकिन जब सीक्वेंस अरेंजिंग में अगर कुछ आता है तो आपको इनका टाइम पीरियड याद रखना है, जो कि मौर्य से बाद में है लेकिन बाकी सब चीजों से पहले, 2nd सेंचुरी ईसा पूर्व आपको याद रखना है। उससे पहले जो 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी ईसा पूर्व, ये सब चीजें आगे गई। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आएगा तो लोमश ऋषि, ये बराबर नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन पहाड़ी, ये देखे और इसको देंगे तो आपको बस ये सीक्वेंस में ही आएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी चीजें हैं तो पता है, बुद्ध से रिलेटेड है, ये टाइम पीरियड है, सातवां पीरियड है, उसको आप चीजों को स्किप कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग कुषाण पीरियड। कुषाण पीरियड मतलब जिसके अंदर दो ही सेंटर याद रखने, गंधार और मथुरा, और इसमें भी गंधार को याद रखना है, जिसको हम इंडो ग्रीक कला भी बोलते हैं। इस समय कहते हैं कि जो ग्रीक है, यूनानी है, उनका आपको इसमें प्रभाव था, इसलिए इसको इंडो ग्रीक कला भी कहते हैं। ठीक है, अजंता की गुफा इस समय बनी, इस समय बनी, इससे पहले बनी। कुषाण में जो आपको मेन राजा देखना है वो कनिष्क, जिस तरह से मौर्य में अशोक ने बिल्डअप करवाया, वैसे ही कुषाण में कनिष्क ने चीजों को बिल्डअप करवाया था। ठीक है, तो गंधार में मूर्ति कला पहली वैसी है, ह्यूमन फॉर्म में मूर्ति मिली, महायान फॉर्म में बुद्ध की मूर्ति मिली। अच्छा, महायान और हीनयान क्या होता है? महायान मतलब जब आप बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में, मानव रूप में पूजने लगे तो वो महायान हुआ, लेकिन जब उससे पहले प्रतीकों के रूप में पूजे जाते थे तो उसको हीनयान कहा जाता था। ठीक है, तो इस समय है, प्लस ये चीजें ध्यान रखनी है, वास्तुकला, ये फायर गर्भ तख्ते भाई, ये सब चीजें जो गंधार में है उसकी वास्तुकला मिली है, मूर्ति कला मिली है, बुद्ध की, बोधिसत्व की, कनिष्क की, ये सब मिला है। ठीक है, लेकिन हम यहीं पे आते हैं जब मथुरा में, तो मथुरा में एक चीजों को ध्यान रखना है कि
धर्म, तीनों धर्म की मूर्ति मिली है, पत्थर और धातु की भी मिली है। प्लस हम बोलेंगे कि जो चीजें बुद्ध कुछ गांधार में जिस तरह से ग्रीक प्रभाव था, वैसे ही मथुरा में स्थानीय प्रभाव था, इंडियन प्रभाव था। तो ये चीजों को भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। फिर आते हैं अपने गुप्त पीरियड में, जो कि हम बोलते हैं कि स्वर्ण युग कहा जाता है भारतीय कला का। तो ये तो इसका टाइम पीरियड प्लीज मैं बता नहीं रही हूँ, लेकिन स्क्रीन में दिख रहा है 4th सेंचुरी में आ गए हम लोग, ठीक है। 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी। तो इसमें भी क्या हुआ, मथुरा केंद्र में क्या क्या था, मथुरा सारनाथ अहिच था। मथुरा को मैं याद रखना है, देखो मथुरा में जो मूर्तियां हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू जैनिज्म और बुद्धिज्म तीनों में मिली है, रेड सैंडस्टोन से मिली है। एक रेड सैंडस्टोन मथुरा में याद रखना, एक रेड सैंडस्टोन बरहूत में याद रखना। यहाँ पे दोनों पे रेड सैंडस्टोन की मूर्ति, कभी कोई मूर्ति की फोटो भी आ जाए तो भी पहचान पाओगे। जबकि सारनाथ में जो है आपको, सारनाथ में जो है आपको ब्राउन कलर का पत्थर देखने को मिलता है, ब्राउन लाइमस्टोन मिलता है, इसलिए उसको ध्यान से ये चीज देखना। सारनाथ की मूर्तियां हमेशा ब्राउन कलर की मिलेगी मोस्टली, ठीक है। फिर है अहिच्रथा, अहिच्रथा में भी क्या है कि हिंदू मूर्तियां ज्यादा मिली है, ठीक। अजंता के बोलेंगे 150 से 500 AD, 16, 17, 26वीं गुफा जो है वो उस समय मिली है, और बाघ गुफाएं जो है 4th-5th सेंचुरी उसमें मिली है, ठीक है। अजंता को अपन देख नहीं पाए अलग से, वो साथ साथ चल रहा है, मैं भी बता दूंगी। बुद्ध प्रतिमा, धातु प्रतिमा, विष्णु प्रतिमा, लिंग, शिव, ये अर्धनारीश्वर, चक्रत पुरुष, ये सब मिले हैं। स्तूप दो, चलो स्तूप में देखो, ये धर्मराजी का इधर से हटाओ, धर्मराजी का जो स्तूप है ये भी सीक्वेंस में आता है। धर्मराजी का मतलब धर्मराज से किसको याद रखना, अशोक को याद रख लेना बस। तो ये जो है मौर्य पीरियड में बना था, बाकी जो चौखंडी है, दमेक है, मुगल कुंडी है, ये जो तीनों है ये आपके इनने बनाया था, इस समय बना था गुप्त पीरियड में, ठीक है। दमेक सबसे लास्ट का था। और इसमें हम देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दशावतार टेम्पल आया भी है। दशावतार टेम्पल का स्टाइल देखो तो नागर स्टाइल में है, पंचायतन स्टाइल में है, उसमें विष्णु अनंत शाही का पैनल है, उस पैनल पे पूरा क्वेश्चन आया था, तो उसको बहुत अच्छे से देख लेना, है ना। वही रेड स्टोन से ही बना गया है, यूपी में है दशावतार टेम्पल और विष्णु जी का है। फिर भूमरा, भूमरा टेम्पल से एक ही चीज आती है, भूमरा टेम्पल एमपी में है, प्लस वो शिव जी का है। और नचना कूतरा, इससे भी यही आती है कि ये भी एमपी में है और ये पार्वती जी का मंदिर है। एक वराह मंदिर है जो कि हम बोलेंगे उदयगिरी में है, ये क्वेश्चन आता है, उदयगिरी बोले तो एमपी का उदयगिरी, ठीक है, वो उदयगिरी, उदयगिरी ये उदयगिरी जो है एमपी में है, विदिशा के पास जो उदय है उधर पे है। तो क्वेश्चन आता है कि वराह की एक रिलीफ जैसी पूरी पैनल है वो, तो वो उसमें उन्हें बनवाई है, ठीक। इतनी चीजें बहुत है, उससे पहले मैं एक चीज आपको अजंता बता दूं, 2 मिनट। अजंता गुफा, इसमें आपको टाइमलाइन याद रखनी है, जो भी है उसके टाइमलाइन, ये कुछ 800 साढ़े 800 साल में बनी थी, सातवाहन पीरियड से चालुक्य पीरियड तक बनी थी, ठीक है। तो 800 साढ़े 800 साल में बनी थी, 1st सेंचुरी ईसा पूर्व से लेंगे और हम कहाँ तक आ जाएंगे, 5th सेंचुरी तक ये बनी थी आराम से, चालुक्य, ठीक है। तो ये चीज थी। प्लस ये दो प्रकार की गुफाएं मिलती है, चैत्य मिलती है, विहार मिलती है। चैत्य क्या होता है, चैत्य जो होता है जो पूजा स्थल होता है, और विहार क्या होता है जो हम बोलेंगे कि एक रहने का स्थान होता है, जिसको विहार का दूसरा नाम आप लोग कमेंट में बता दीजिए, विहार को और क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, प्लस है ना, विहार का नाम बता दीजिए। फिर अजंता की जो गुफा है, आपको पता है सबसे ज्यादा गुफा में जो पेंटिंग्स है 17 नंबर में मिली है, मोस्टली जातक कथाएं इसी में मिली है। फिर आप एक इंद्र सभा जो 17 नंबर गुफा की इंपॉर्टेंट पेंटिंग है आ चुकी है, उसको याद रखना। प्लस और भी जातक कथा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंटिंग्स यहाँ पे, एक आपको पद्मपाणि बोधिसत्व की पेंटिंग याद रखनी है जो गुफा क्रमांक 1 में मिली है, और उनका पोस्टर ब्लू कलर का फ्लावर यूज है पकड़ा है, त्रिभंग मुद्रा में है, और ये चीज है। फिर हाँ, संघाराम, संघाराम बिल्कुल सही, आप जो है चैत विहार को संघाराम भी कहते हैं, विहार मतलब भिक्षुओं का रहने का स्थान, ठीक है। अजंता में 3 प्रकार की पेंटिंग्स है, प्लीज आप लोग आंसर साथ में भी कीजिए, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका भी रिविजन होगा, ठीक है। 3 प्रकार की पेंटिंग है, उसको क्या कहते हैं, रूप भेदिक कहते हैं, और इमोशनल कहते हैं, और डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। रूप भेदिक मतलब क्या होता है, बहुत बहुत बायलिंगुअल पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। किसी भी चीज को रूप भेदिक, ऑर्नामेंटल, और ये आपका डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। मतलब जातक कथाएं हो गई, किसी चीज का रूप वो हो गया आपका जो डेकोरेशन होता है, ऑर्नामेंटल जिसको फूल पत्ती बोलते हैं, और रूप भेदिक बोले तो इमोशनल, जिसको हाँ हो गया ना,
डेकोरेटिव, इमोशनल और डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में जातक कथा आती है, इमोशनल में आपके ये पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर, इनकी पेंटिंग्स आती है, और डेकोरेटिव में आपका जो साज सज्जा है फ्लावर्स वाले वो सब आती हैं। ठीक है, हो गया। अब आते हैं, इतना हो गया, चैत्य विहार हो गया, और क्या बचा? हाँ, अजंता की पेंटिंग बात कर रहे थे, बीच में टोक देते हो। सत्रह है, बहुत सारी पेंटिंग्स थी, उसमें जातक याद रखना, उसमें आप इंद्र सभा याद रखना 17 में, और बहुत सारी जातक कथाएं भी है वो याद रखना। 16 नंबर गुफा है, उसमें डाइंग प्रिंसेस है, माया देवी का स्वप्न है, माया देवी का स्वप्न 2 में अच्छा है और 16 में थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ठीक है, फिर आते हैं 16 हो गया, ऑल इज लॉस्ट, सर्वनाश है, वो 2 में है, और 1 में जो है मार विजय की भी पेंटिंग है, और लोग ये पद्मपाणि बोधिसत्व भी, जो मेन मेन है वो याद करो। प्लस मूर्ति के पर्सपेक्टिव में देखे तो 26 नंबर गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे महापरिनिर्वाण की जो बड़ी सी मूर्ति अभी 2-3 दिन पहले आपको फोटो भेजी थी वो थी, और अजंता के लिए और भी लिखते जाओ आप लोग कमेंट में जितना याद आ रहा। आप खुद मेरे पे थोड़ा सा दया खाओ कि मैं कितनी चीजें याद रखूंगी, याद कर करके आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपको जितना याद आ रहा है आप भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं। और क्या होता है, ऑल इज लॉस्ट, सर्वनेश जो है वो भी केव नंबर 2 में 26 में है, एक मार विजय का मूर्ति पैनल भी है, और महापरिनिर्वाण का भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलो मैं आगे प्रोसीड कर रही हूँ। इतना आपको अजंता तो आपने पढ़ ही रखा होगा। अब आते हैं प्री मेडिवल पीरियड, जहां से हम चालुक्य पीरियड, मंदिर स्थापत्य को शुरू करते हैं। ये चालुक्य पीरियड, पल्लव पीरियड, राष्ट्रकूट, पाल एम्पायर, सेन एम्पायर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इनकी टाइमलाइन आपको याद करना बहुत जरूरी है, रट लेने का, कि पहले चालुक्य आएगा, फिर पल्लव आएगा, फिर राष्ट्रकूट आएगा। हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे, बाकी जिसको जैसे पढ़ना है पढ़ो। ठीक है, तो ये वही टाइम था, ये क्या टाइम था, जब राजा हर्षवर्धन, कुछ 6th सेंचुरी थी ना गुप्त, उसके बाद तो राजा हर्षवर्धन ने चीजें बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, सब चीजें हार गए थे, उनका डाउनफॉल हो गया था जब हर्ष डायनेस्टी का, तो फिर जो है चीजें डिवाइड हो गई थी दो दो जगह पे, स्थानीय जगह पे, तो चालुक्य एम्पायर, पाल एम्पायर, सेन एम्पायर यही हुआ है, चालुक्य दक्षिण में और ये लोग बंगाल बिहार में, तो यहाँ पे इनका कामकाज ऐसा चला, ये देखो दिख ही रहा है आपको। ठीक है, ये इधर चालुक्य आ गए थे और ये इधर पाल डायनेस्टी जो दिख रही है, सेन भी यहीं पे थी, तो ये लोग इस समय पे आए, यहाँ पे पेंटिंग भी हुई, मूर्ति भी हुई। चालुक्य एम्पायर देख लेते हैं पहले, उसका जो मेन सेंटर होता है अहियोल, और पडक्कल भी होता है, पडक्कल। ठीक है, तो अहियोल में जो देखना है आपको, इन सब के टेम्पल्स देखने हैं कर्नाटक में, कौन कौन से, लड़खन टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, मेघूती टेम्पल। इसमें जो देखना है, लड़खन टेम्पल सबसे पुराना टेम्पल माना जाता है चालुक्य पीरियड का, और जो दुर्गा टेम्पल है वो अपने एब्जिडल प्लान के लिए जाना जाता है। एब्जिडल प्लान क्या होता है? एब्जिडल प्लान इस तरह का प्लान होता है जो पुराना सर पुराने चर्च जैसा दिखता है, या तो यहाँ पे आपको मंदिर भगवान दिखेंगे, यहाँ से आप जाओगे और अंदर पूजा वूजा करोगे आ जाओगे, इस तरह का जो प्लान होता है वो एब्जिडल होता है, जो मोस्टली चैत्य में भी होता है, ज्यादा से ज्यादा चैत्य 9 नंबर 10 नंबर, ये सब एब्जिडल प्लान में। दुर्गा टेम्पल भी है वो भी एब्जिडल प्लेन में है, क्वेश्चन बहुत बार आता है। मेघूती जो है वो लास्ट टेम्पल माना जाता है चालुक्य का, इस समय का बनाया हुआ। ठीक है, तो इस तरह का टेम्पल था, शिखर विखर ये सब नहीं बनते थे इनको, सिर्फ अभी इस समय गुहा टेम्पल्स बोलते थे उस तरह से बनता था। ठीक है, इसको इनकी फ्लैट छत रहती थी। प्लस इसी समय पे जो चालुक्य एम्पायर ने ही बादामी गुफा बनाई, उसमें और अजंता की केव नंबर 1 और 2 जो सबसे लेटेस्ट मानी जाती है वो भी इस समय बनी थी। ठीक है, और बादामी गुफा जो है इसमें भी बोलते हैं ये हिंदू धर्म की सबसे पुरानी गुफा मानी जाती है पेंटिंग्स की। ठीक है, यहाँ पे ही नटराज की वो भी मिली है। ठीक है, इनसे रिलेटेड चालुक्य राजा याद रखना, पुलकेशिन प्रथम, कीर्ति वर्मन, इन्होंने जो यहाँ का बादामी से रिलेटेड काम किया था। ठीक, दूसरा आता है हमारे पल्लव एम्पायर, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है पिछले साल से, जो कि आप बोलेंगे कि तमिलनाडु पल्लव राज्य 600 से 750 ये एरिया में जो आ गए आप, यहाँ पे ये पल्लव एरिया है। ठीक है, तो इनका जो है महेंद्र वदन, नरसिंह वर्मन, अपराजिता, महेंद्र वर्मन इनको मम्मल भी कहते हैं, इन्हीं नहीं मम्मलीपुरम, पहले मम्मलपुरम अब महालीबलीपुरम बोलते हैं, तमिलनाडु में है ये। तो यहाँ से पर्सपेक्टिव में आपको क्या देखना है, कैलाश नाथ मंदिर कांची और महाबलीपुरम, जहाँ पे सप्तरथ मिलते हैं, गंगा अवतरण का पैनल है, इसको अर्जुन पनाश भी बोलते हैं, लास्ट टाइम वो एग्जाम में आया था इसलिए बोल रहे हैं, अर्जुन पनाश, गंगा अवतरण ये बोलते हैं, और ग्रेनाइट पत्थर से बना है, सप्तरथ 7 रथ बने हैं, 7 रथ कौन से हैं आपके ना, वो धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, गणेश रथ है ना, और एक पंडारी रथ, ये 7 रथ होते हैं। ठीक है, तो ये वहीं पे हैं, और महाभारत का कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ नाम ऐसे दे दिए थे, और क्या देते हैं अपन यहाँ इसमें, हाँ जो अपने कुछ कुछ चीजें याद रखो, जो
धर्मराज यात्रे रथ है, ये द्रविड़ शैली में बन गया है। और नकुल सहदेव रथ पे याद रखो तो वह एक्जिडल प्लेन का इकलौता रथ है। भीम रथ जो है वो बेसर शैली में बनेंगे। ये दो तीन चीजों को याद रखना। द्रौपदी है सिंपल हट में ऐसी छोटी सी, ठीक उसकी चीजों को आपको महाबलीपुरम से रिलेटेड याद रखना। गंगा अवतरण का पैनल है, रेलीफ पैनल है, ग्रेनाइट पे रेलीफ। रेलीफ क्या होता है कि पीछे से प्लेन होगा और ऊपर से उभरा हुआ होगा, ये रेलीफ पैनल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक आगे चलते हैं। राष्ट्रकूट एम्पायर आए, चालुक्यों को हरा के राष्ट्रकूट आ गए। ठीक है, राष्ट्रकूट में दो चीज, राष्ट्रकूट से आपको ए ए याद रखना है, ए से एलोरा, ए से एलिफेंटा। इसी सीक्वेंस में याद रखोगे तो कभी चीजों को भूलोगे नहीं। एलोरा, एलोरा में आपको देखना है कैलाशनाथ मंदिर है, 16वीं नंबर गुफा में है। एलोरा में वैसे बहुत सारी गुफाएं हैं, एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं। टोटल 34 गुफा में तीनों धर्म है, कुछ 1 से 12 ब्राह्मण है, फिर 12 से 30 वो है कौन होते हैं, एक और सॉरी 1 से 12 है ना बुद्धिस्ट है, और फिर 30 से 35 वो है, 30 से 34 जैन है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। और इसमें सॉरी 1 से 12 बुद्धिस्ट हैं, फिर 12 से उसके बाद के जो हैं 30 तक वो ब्राह्मण होते हैं। इतनी चीज हो गई। फिर एक इंपॉर्टेंट जो होती है वो 16 नंबर गुफा है जिसमें कैलाशनाथ मंदिर है। कैलाशनाथ मंदिर में आपको द्रविड़ शैली में देखने को मिल देगा। मोनोलिथिक है, यहाँ पे आपको रावण शेकिंग माउंट कैलाश का बहुत अच्छा स्कल्पचर मिलेगा, और भी बहुत सारे स्कल्पचर मिलेंगे, रावण जटायु का, अर्धनारीश्वर का, गज लक्ष्मी का, ये सब है। ठीक है, एलोरा जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है, अजंता से कुछ 154 किलोमीटर दूर है। और चीजें जो है आपको याद होगी एलोरा में, तो आप लोग बना लेना जो भी। ठीक है, तीनों धर्म से रिलेटेड है इसलिए इसको धर्म की त्रिवेणी भी बोला जाता है। फिर आते हैं एलिफेंटा में। एलिफेंटा भी धारापुरी एलएन पे है, बॉम्बे गेट पे इंडिया से जाते हैं तो वहां पे मिल जाती है। वहां पे मुख्य मूर्ति जो है हाँ जी 1 से 12, 14 से 29। और ये फिर त्रिमूर्ति, अर्धनारीश्वर, शिव पार्वती, इस तरह की मूर्ति है। मुख्य मूर्ति त्रिमूर्ति है एलिफेंटा में, आइलैंड पे है। और अर्धनारीश्वर के, एलिफेंटा के वो त्रिमूर्ति के इस तरफ, एलिफेंटा पे तो सेपरेट क्लास है देख सकते हो। त्रिवेंटी के त्रिमूर्ति के इस तरफ आपका गंगाधर शिव है और इस तरफ आपका वो है अर्धनारीश्वर का पैनल है। ठीक है, इस तरह से है तीन शिवलिंग एलोरा में बस। ठीक है, फिर आते हैं मैं पाल एम्पायर। जो आपको बताया था चालू क्यों गया, पाल हो गया, तो पाल में आपको पेंटिंग्स पढ़नी है। पाल का जो है जो संस्थापक थे वो गोपाल पाल थे, उनके जो आर्टिस्ट थे वो धीमान और वित्तपाल थे। और है ना, ये उनने एक आम जन को उठा के अपना राजा बना लिया था। प्लस यहाँ के केंद्र बंगाल, बिहार, नेपाल ये है, नालंदा है। नालंदा से आपको मूर्ति भी मिलती है, ठीक है, और ब्रॉन्ज की मूर्ति मिलती है। मोस्टली मूर्ति अवलोकितेश्वर और बुद्ध इनकी मिलती है, इसको ध्यान रखना। ठीक, फिर हाथे राजा गोपाल पाल हो गए, धर्म पाल हो गए, देव पाल हो गए, नारायण पाल हो गए, महिपाल हो गए, ये सब राजा थे। एक और महिपाल है, यहाँ पे मैनुस्क्रिप्ट पेंटिंग इस समय पे बहुत अच्छी हुई थी। तो मेन जो है पाल के नाम से आपको पोथी चित्रण याद रखना है। पाम लीव्स मतलब ताड़ पत्र है, उसपे चित्रण हुए थे कुछ ये अपना 10th से 9th से 14th सेंचुरी, इस समय का टाइम था। वास्तुकला में भी स्तूप चैत्य बने। अवलोकितेश्वर इसकी एक है प्रज्ञा परमिता, प्रज्ञा परमिता जो कि ग्रंथ है, बुद्ध ग्रंथ है पाली लैंग्वेज में, इसकी पेंटिंग्स ये मिली है पाल लीनो, पाल शैली में है, तो ये वर्ड याद रखना। ठीक, फिर आते हैं पाल सेन एम्पायर जो है कंप्लीट इंडियन उस पे है, बुद्ध को नहीं मानते थे। सामंत सेन, विजय सेन, बल्ला सेन ये है, शिव, नृत्येश्वर, पार्वती, विष्णु, गंगा, इनका ब्लैक कलर के जो बंगाल में अभी गई थी मैं तो देखा था कि वहां पे ब्लैक कलर के सरफेस से जितनी भी इंडियन उसकी मूर्तियां वो सब सेन एम्पायर की मानी जाती है, बंगाल एरिया पे, बंगाल बिहार में थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम, फिर अभी संरचनात्मक मंदिर के अंदर आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल मंदिर। उसमें जो होता है आपका सोलंकी डायनेस्टी, फिर चंदेल डायनेस्टी, ये सब देख लो लाइन से, ये सब अलग अलग समय पे जो थे। तो सोलंकी डायनेस्टी जो है ये आपकी राजस्थान गुजरात के मंदिर माने जाते हैं, गुजरात राजस्थान के मंदिर। गुजरात में सबसे पहले देखना है सोमनाथ का मंदिर, शिवजी का, मोटेरा का सूर्य मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओसिया पहले का है, मोटेरिया उसके बाद का, और मार्तंड सबसे पहले का। सूर्य टेम्पल को याद रखे तो याद रखना मार्तंड टेम्पल गुजरात में है, और गुजरात क्या कश्मीर में है। मोटेरा जो है गुजरात में है, ओसिया जो है
राजस्थान में है, और आपका क्या बचा, कोणार्क जो है वो ओडिशा में है, ठीक है। तो इनको जब आपको मैप में अरेंज करने का भी आ सकता है, तो आप लोगों को उसको ध्यान रखना है कि कौन नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ कौन आएगा, ठीक है। और इससे ज्यादा बस और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन टेम्पल जो है वो याद रखना, सॉरी जैन टेम्पल तो यहाँ पे पालीताना है, दिलवाड़ा जो है वो इधर है राजस्थान में, ठीक है। आबू का जैन मंदिर है माउंट आबू में, दिलवाड़ा का जैन टेम्पल जो है आबानेरी है, हर्षद माता का मंदिर है, ओसिया का सूर टेम्पल है, जो ये आपको याद रखना है बस। और कुछ राजस्थान में इसमें देखने की जरूरत नहीं होती है। फिर आता है चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य से एक चीज जो सबसे पहले याद रखनी है, नटराज की मूर्ति 13वीं शताब्दी में बनी थी, ब्रॉन्ज में है ना। और बहुत सारी मूर्ति है चोल साम्राज्य में, मोस्टली जो है ब्रॉन्ज की मिलती थी यहाँ पे मूर्तियां, ठीक है। मूर्तियां ब्रॉन्ज से मिलेगी, मंदिर जो है यहाँ के कुछ ग्रेनाइट से बने हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे तंजोर ध्यान रखना है, बृहदेश्वर टेम्पल याद रखना है, द्रविड कंप्लीट द्रविड स्टाइल में ध्यान रखना है, बृहदेश्वर टेम्पल शिव टेम्पल है ये याद रखना है, और राजा राजेश्वर चोल ने इसको बनाया था। इसमें शिव, बृहदेश्वर टेम्पल, म्यूजिशियन, ये सब चीजें मिलेगी बस, ठीक है। फिर जाते हैं चंदेल डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी बोले तो बुंदेलखंडी लोग, चंदेल जो है राजपूत थे, बुंदेलखंड एरिया के, बुंदेलखंड, महोबा, खजुराहो, कलंदर, खजुराहो के मंदिर हैं, कंदेरिया महादेव, चौसठ योगिनी सबसे एंशियंट टेम्पल है वहां का, लाल गुवा मतंगेश्वर, वराह मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जो कि ये क्वेश्चन आया था कि उनको विष्णु, कौन से विष्णु होते हैं यहाँ, विष्णु जी को डेडिकेट है, विश्वनाथ मंदिर, वामन मंदिर, दूल्हा देव, चतुर्भुज, ये सब मंदिर होते हैं। कंदेरिया महादेव की बात करें तो ये पंचायतन स्टाइल में है, खजुराहो में है, और बस उसमें वही है आपके अर्धमंडप मंडप, और क्या होता है वो, कैसे भूल रहे हैं, अर्धमंडप है, मंडप, गर्भगृह, एक तरफ का मंडप क्या होता है, नट मंडप, अर्धमंडप सबसे जो छोटा सा रहता है, फिर नट मंडप जो नाचने का वो रहता है, फिर ये अर्ध मुख मंडप रहता है, महामंडप जिसको कहते हैं, और ये आपका वो रहता है जहाँ पे आपकी डायटी सेंक्ट्रम जिसको आप बोलते हो गर्भगृह, ये वो रहता है, ठीक है। ये हो गई चंदेल डायनेस्टी। ये सब टाइमलाइन इसी सीक्वेंस में आएगा, उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। ये मध्य भारत होता है जिसमें हम बोलेंगे कि उज्जैन, झालावाड़ और ये ग्वालियर, यहाँ के मंदिर आते हैं। यहाँ का एक ही इंपॉर्टेंट मंदिर देखना है, सास बहू का टेम्पल, जिसको आप सहस्त्र बहू टेम्पल भी बोलते हो, विष्णु जी को समर्पित है, दो टेम्पल है इसलिए उसको सास और बहू का टेम्पल बोलते हैं। मध्य भारत का है, इस समय प्रतिहार परमार कलचुरी राजवंश इन लोगों ने निर्माण कराया था। चौसठ योगिनी भी था, चौसठ योगिनी जो की मुरैना में भी है, बेड़ाघाट में भी है, और भी दो तीन जगह पे है। उज्जैन, झालावाड़ के भी जो टेम्पल है, नीलखंड महादेव ले लो, महाकालेश्वर ले लो, सभी इसी का है, ये सब नागर स्टाइल में है मोस्टली, ठीक है। हाँ ये भी देखना, ये भी नागर स्टाइल में है, ये द्रविड़ स्टाइल के हैं, ठीक है। पंड्या एम्पायर होता है, गंगा डायनेस्टी कहाँ गई, आगे आएगी, चलो अच्छा अभी आगे आएगी, है ना। जम्बुकेश्वर टेम्पल, चिदम्बरम टेम्पल देखना नहीं है इसमें कुछ भी, सीतन वसल, पंड्या एम्पायर में सीतन वसल गुफा देखना है, जैन धर्म से रिलेटेड सबसे प्राचीन गुफा जो होती है वो होती है, ठीक है। जैन धर्म से रिलेटेड सबसे प्राचीन अवशेष जो मिले सीतन वसन गुफा में मिले हैं, सीतन वसन गुफा तमिलनाडु में है, और यहाँ पे जैन धर्म से रिलेटेड जैन सिद्धों का निवासों का स्थान ये इसको बोला जाता है, ठीक। फिर आते गंगा डायनेस्टी में, जिसके सेंटर रहे हैं कौन कौन से, कर्नाटक और उड़ीसा, बाहुबली गोमतेश्वर की टेम्पल श्रावण बोला कर्नाटक में मिली है, बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो जो यहाँ के राजा थे नरसिंह, नरसिंह इनके कमांडर थे चामुंडरा, इनने बनवाया था बाहुबली गोमतेश्वर का मंदिर, वो मंदिर क्या मूर्ति, और ये बाहुबली गोमतेश्वर कौन थे, ऋषभनाथ के पुत्र थे, ठीक है। और जगन्नाथपुरी का टेम्पल आता है, परशुरामेश्वर टेम्पल को सबसे प्राचीन माना जाता है, और यहाँ पे जो आपके वो है वो क्या होता है, जैसे पुरी है, कोणार्क है, और भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल बोलते थे, लगभग कुछ 800 से 1000 या मोर देन दैट मंदिर वहां पे बने हैं, ठीक है। मुक्तेश्वर टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल का टाइम कुछ 1100 के अप्रोक्स है, मुक्तेश्वर का 950 के है, राजा रानी 1200 के है, वित्तल देव 850 का, ये सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है, मैं सिर्फ टाइम बता रही हूँ, ठीक है। परशुरामेश्वर सबसे एंशियंट है, कुछ 800 का होगा, 750 का, और कोणार्क का सन टेम्पल 1200 का है, 13वीं शताब्दी का सबसे बाद का टेम्पल है सूर्य टेम्पल्स में से भी, ठीक है। तो उसको आप लोग ध्यान रखना, और कोणार्क का सूर्य का ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, ग्रे शिस्ट से पूरा मंदिर बना है, चोइस
व्हील है उसके, रथ के फॉर्म में है, और साथ उसके घोड़े हैं। बस इतनी चीजें ध्यान रखना, और चीजें याद है तो इतने तो आप खुद समझदार हो। फिर है यहाँ पे भी बहुत सारे मेन, आपको चाणकेश्वर, विजयनगर टेम्पायर देखना है, भोसलेश्वर टेम्पल देखना है, ये इसके बाद का है, बस इतना याद रखना, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती। विजयनगर का जो है इसका मतलब जो हम्पी का टेम्पल होता है वो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हम्पी का टेम्पल, ठीक है। विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजारामा टेम्पल, हम्पी का टेम्पल वेलोर में है जो, वो देखते हैं, ठीक। यहाँ पे इन इन मंदिरों में नरसिंह देव की मूर्ति आपको एंट्रेंस में देखने को मिलती है, तो वो चीजें भी थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। फिर आते हैं नायक डायनेस्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फोन बहुत आते हैं बीच बीच में, चलो काट देते हैं आपके लिए ये भी, ठीक है। फिर आते हैं नायक डायनेस्टी, नायक डायनेस्टी से क्या होता है, सबसे एंड की डायनेस्टी याद रखना, विजयनगर को हरा के नायकों ने वो दिया था वो याद रखना, प्लस विजयनगर भी क्या है, मुस्लिम का जब राज आ गया था ना सल्तनत के, इनने यहाँ पे किया था, तो उसके बाद उनने जीत हासिल की थी, ज्यादा टाइम नहीं रहे थे तो ये मंदिर मंदिर को बनवा लिए थे, ठीक है। इनका मदुरई का टेम्पल ध्यान रखना, तिरुचिरापल्ली में है, द्रविड़ स्टाइल में है ये भी, मीनाक्षी टेम्पल, रामेश्वर टेम्पल, ये सब इसी में आते हैं। त्रिमूला नायक जो वहाँ की फैमिली है, और स्वर स्तंभ ये आपका रहता है, ठीक है। इतनी चीजें हो गई, ये टेम्पल डायनेस्टीज थी हिंदू टेम्पल की जो चल रही थी। इन्हीं के साथ साथ क्या हुआ था, यहाँ पे राजपूत थे ये देखो, तो इस समय क्या हुआ था, जब बात फिर पहुंच जाओ सीधे राजपूत टाइम्स पे ही बोलेंगे अगर हम यहाँ पे, तो सुल्तनत एज को पहले इसलिए देख रही हूँ कि ये टाइम था देखो 1193, मतलब ये कौन सा, जब आप सीधे पहुंच जाओ चंद्रगुप्त, वो देखे थे आपने, कौन है वो, पृथ्वीराज चौहान, सॉरी है ना, पृथ्वीराज चौहान की मूवी देखी थी। क्या हुआ था कि वो दूसरे उसमें हार गए थे, और गौरी, मोहम्मद गौरी से आ जाना है, ठीक है। मोहम्मद गौरी की बात करी, मोहम्मद गौरी कौन थे, तो आपको पता है कि वो हार गए थे, मतलब वो जीत गए थे अपना, फिर भी वो हार गए थे, ऐसा मूवी की एंडिंग हुई थी, और वो वापस भारत नहीं आए थे राज करने। उनने क्या किया था, उनने अपने ही गुलाम थे, उनका ही गुलाम था, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको भेजा था एज अ कमांडर, और उनको रूलर बना के भेजा था, और उसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो सबसे पहले फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने सबसे पहले जो है आर्किटेक्चर की स्टार्ट किया था, ठीक है, आर्किटेक्चर का स्टार्ट किया था। इसको थोड़ा सा क्लियर बता देती हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे सबसे पहले जो ऐबक स्लेव डायनेस्टी थे, इनने क्या क्या बनाया था, तो इनने कुबतुल इस्लाम मस्जिद बनाई थी, मस्जिद क्या बनवाई थी, उस ने जो चीजें इंडियन टेम्पल्स जैसी थी उसी को उन्होंने फॉर्म किया था, तो मस्जिद बनवाई। फिर उसके बाद उनने क्या बनवाया था, कुतुब मीनार बनवाया, कुतुब मीनार की 3 मीनार इनने बनाई, 2 मीनार ऊपर इनके जवाई साहब इल्तुतमिश ने बनवाई थी, और फिर बोलते फिरोज शाह तुगलक ने भी आगे उनको उस पर एक मीनार वो लगवाई थी स्टोरी, ठीक है। कुतुब मीनार जो है 240 फीट का है, कुछ कैलीग्राफी वगैरह उसमें ईरान वरिष्ठ है, और ये कुछ अपना रेड सैंडस्टोन से बना गया है, प्लस ऊपर जो है एल्बास्टर भी यूज हुआ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और जो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है, जो बेसिक है वो आपको याद करवा रही हूँ कि ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर जाते हैं हम लोग ऐबक के बाद कौन आता है, खिलजी आता है। खिलजी ने क्या किया, तो खिलजी ने टाइमिंग याद कर लेना आप लोग, है ना, टाइमिंग में नॉर्मली बताऊंगी, तो ये आपकी कुछ, ये क्या था, ये आपका 12th सेंचुरी था ना, तो ये 13th सेंचुरी था, ठीक है। खिलजी में अलाई मीनार, अलाई दरवाजा कहाँ पे बनवाया, दिल्ली में बनवाया, ठीक है। फिर खिलजी के बाद आपके तुगलक आए, तुगलक में गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा जानते हो, ये कब 14th सेंचुरी में आ गए, गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा जानते हो, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक वही जिसने फिरोज शाह कोटला बनवाया, और फिर ये भी आता है सीरी तुगलकाबाद, और एक और क्या था, कोई सा वो ही आता है ना दिल्ली की, कल परसों ही मैंने देखी थी, फिर सीरी तुगलकाबाद, एक कोई सा मोइनाबाद, और फिरोजाबाद, इसका सीक्वेंस लेना है, तो तुगलकाबाद इनका सीक्वेंस याद रखना, गयाजुद्दीन तुगलक, उसके बाद आपके मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोजाबाद बाद में बनेगा, तुगलकाबाद पहले बनेगा, सीरी भी इन्हीं ने आगे बनवाया था, ठीक, दैट्स इट। इनकी राजधानी दिल्ली थी, तो ये इधर कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, ये सब चीजें बनी, ठीक है। एक चीज जो याद रखनी है, उसके बाद जब है 1540 का टाइम हुआ, 1545 का टाइम हुआ, जब शेरशाह सूरी आए, शेरशाह सूरी ने क्या किया था उस समय, देखो 15 इतना तो हम आ गए थे, यहाँ तक 14th सेंचुरी में आ गए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहीं पे ये सब दिल्ली के केंद्र की बात हो रही थी, तुगलक वगैरह, और फिर जगह जगह दिल्ली, पंजाब, गुजरात, मालवा, डेक्कन, यहाँ पे जगह जगह पे भी
उन्होंने प्रोविजनल, जिसको कहते हैं इंपीरियल मतलब दिल्ली में बनना, प्रोविजनल मतलब जो अलग अलग जो स्थानीय केंद्र थे, जिसको हम स्थानीय केंद्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो केंद्र थे, वहां पे हम देखते हैं तो अहमदाबाद में बनी जामी मस्जिद, बनी अहमदाबाद में झूलती मीनार बनी, और गुजरात जो है अपने अहमदाबाद में रानी की वाव बनी। गुजरात जो है बेस्ट था केंद्र इंपीरियल्स प्रोविजनल्स के लिए, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे काम हुआ है, ठीक है। फिर हम मालवा में बोले, मांडू में देखो तो जहाज महल, हिंडोला महल, जामा मस्जिद, ये सारी चीजें वहां पे बनी मांडू में। जो क्वेश्चन आता है रंग महल, ये सब चीजें मांडू में बनी, बस इतना, ठीक है। अब आते हैं, इतनी हो गई, ये चीज हो गई, इसके बाद मुगल आ जाएंगे, ठीक है। 1526 से, ठीक है, 1526 से, ठीक है। 1526 में अब कौन आएंगे, बाबर आएंगे। तो बाबर से पहले की कहानी आपको क्लियर कर दी, और इसके बाद अब कौन आ जाएंगे, बाबर आ जाएंगे। बाबर से पहले पता है बाबर आए थे तो उन्होंने आरमबाग वो बनवाया, उनका जो मकबरा है वो पानीपत, फिर देन उसको शिफ्ट कर दिया काबुल में, काबुल में उनका मकबरा है बाबर का, ठीक है। फिर क्या हुआ था, फिर जब आपको पता है जब हुमायूं आए, तो हुमायूं आए तो उसको शेरशाह सूरी ने हरा दिया था और भगा दिया था। तो शेरशाह सूरी जितने टाइम रहे, तो एक इंपॉर्टेंट आता है शेरशाह सूरी का मकबरा। तो शेरशाह सूरी का मकबरा क्या है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, क्वेश्चन आता है, इसलिए बता रही हूँ, सासाराम बिहार में है, रेड सैंडस्टोन से बना गया। ताजमहल से पहले बहुत सुंदर मकबरा जो है वो यही है, बहुत सुंदर, नदियों पानी के बीच में बसा हुआ है, ठीक है। और अष्टागोनल इसका प्लान है, इसलिए इस चीज के लिए वो जाना जाता है, रेड सैंडस्टोन, सासाराम बिहार, अष्टागोनल डोम वगैरह बना हुआ, वो चीजें, ठीक ठीक है। फिर आते हैं हम लोग पेंटिंग में। पेंटिंग में जब हम बात हम अजंता पे छोड़ दिए थे, अजंता से वापस पकड़ लो, गुफा चित्रण हो गई, सॉरी हम लोग पाल पे छोड़ दिए थे, पाल से वापस पकड़ लो। पाल में जैसे बुद्धिस्ट पेंटिंग हुई, मैनुस्क्रिप्ट पेंटिंग हुई, वैसे ही गुजरात जैन अभ्रंश, जिसको हम नाम अलग अलग कहते हैं पर एक तरह से कॉन्सेप्ट एक ही होता है, गुजरात शैली कहते हैं। इसमें जो मेन पोथी चित्रण आपको देखनी, कल्पसूत्र, जो इस समय की, इतना याद रखना और कुछ भी नहीं याद रखना ज्यादा। पोथी चित्र है पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ, जैन स्टाइल, जब इनसे रिलेटेड हुई तो बात है। अभ्रंश पे आओ तो अभ्रंश पे नाम देने का श्रेय राय किशन दास को जाता है, उनका मतलब यह है कि थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, इसलिए उसको अभ्रंश बोलते हैं। इस समय पोथी चित्र हुई तार पत्र कागज कपड़े तीनों पर हुई, जबकि इससे पहले हम पाल टाइम पे बोलेंगे तो सिर्फ तार पत्र पे पोथी चित्र हुई थी, ठीक है। अंगसूत्र, ओद नियुक्ति वृत्ति, श्रामिक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी, ये जो है अभ्रंश के मेन ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है। अब जो मेन केंद्र आता है ये राजस्थान था। राजस्थान था कैसे था, ये कहानी बहुत बार आपको बता चुके हैं पर अभी फिर बता देते हैं, कि जब यहाँ पे गुजरात शैली पनप रही थी, फिर एक टाइम आया 16वीं शताब्दी का टाइम आया, तो क्या किया, यहाँ पे अफगानों का आक्रमण हुआ था, कहाँ पे, अजंता के इधर महाराष्ट्र में, तो यहाँ से वो आर्टिस्ट यहाँ आ गए थे गुजरात, और गुजरात से दोनों मिलके जो है यहाँ से मेवाड़ के तरफ पे अंदर घुस गए थे, अब इसलिए अंदर घुसे थे, और यहाँ से राजस्थानी शैली का स्टार्टिंग हुआ था। राजस्थानी शैली की स्टार्टिंग मेवाड़ में हुई थी, प्लस राजस्थानी शैली की मूल शैली जो है वो अपभ्रंश मानी जाती है, कि अपभ्रंश को ही इम्प्रूव्ड फॉर्म में राजस्थानी शैली होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा लेट टाइम चालू हो रहा है, 15वीं शताब्दी से हम लोग कहाँ घुस रहे, लेट मेडिवल में, इसमें राजस्थानी है, राजस्थानी में 15वीं से 18वीं शताब्दी, कहीं कहीं 16वीं शताब्दी भी बोलते हैं, ठीक है। वो ये टाइम था, मुगल टाइम था, 16 से 18 सेंचुरी, पहाड़ी और दक्षिणी, ये देखना है, ठीक है। तो राजस्थानी को चार भाग में डिवाइड किया है, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार और हड़ौती। मेवाड़ में आपको उदयपुर, चावंड, नाथद्वारा, देवगढ़ देखना है। इसमें जो देखना है आपको चावंड देखना है, जिसमें रागमाला थी 1605 में, सबसे बेस्ट रागमाला मानी जाती है, सबसे प्राचीन नहीं मानी जाती, क्योंकि 1592 में यहाँ पे बूंदी में चुनार रागमाला थी, वो आपकी एंशियंट मानी जाती है, ठीक है। ये जो है चावंड है, इसको पेंट करने का श्रेय निसारुद्दीन को जाता है। निसारुद्दीन कौन थे, महाराणा प्रताप के इकलौते दोस्त थे, जब उन्हें चावंड नगरी बसाई थी, ठीक है। नाथद्वारा, नाथद्वारा पिछवाइयों के लिए फेमस है, इतना जानते हैं, राज सिंह ने उसको इंस्पायर्ड किया था, बाकी इनमें ऐसा नेट के परस्पेक्टिव से आपको वो नहीं आता है। ये है इंपॉर्टेंट है नेट के परस्पेक्टिव से, किशनगढ़, किशनगढ़ को बसाने का श्रेय किशन सिंह को जाता है, उन्हीं के पोते पर पोते जो है आगे की जनरेशन में राजा सावंत सिंह रहे, जिनके समय किशनगढ़ पेंटिंग का गोल्डन युग होता है, क्योंकि उसी के समय बन्नी ठनी का निर्माण हुआ, और उन्हीं का कोर्ट पेंटर कौन था, निहाल चंद था, उन्हीं ने पेंटिंग किया। सावंत सिंह को नगरीदास भी कहा जाता है, और निहाल चंद ने ही बनी ठनी का पेंटिंग किया था, तो बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है, जो किसने किया था, एरिक डेकिंसन ने कहा था और फयाज अली ने कहा था। एरिक डेकिंसन और फयाज अली कौन थे, तो ये दोनों जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और इन्होंने किशनगढ़ पे काफी रिसर्च किया था, ठीक है।
बीकानेर आता है, बीकानेर पे क्या बोलेंगे, बीकानेर से आपको वो याद रख लो बस, उस्ता और मथेरन टाइप्स के कलाकार थे, रुकनुद्दीन और ये सब यहाँ के कलाकार थे, ठीक। बाकी जैसलमेर क्या है, जैसलमेर है कि कोई भी स्थानीय शैली का इसमें वो नहीं बढ़ा। चलो अब मैं ज्यादा घुस जाऊंगी इसलिए इस पर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आते हैं, इसमें जयपुर देखो, जयपुर जो है अपने पोर्ट्रेट के लिए जाने जाते हैं, प्लस अपने पोर्ट्रेट के लिए और स्थानीय मुगल शैली के लिए जाने जाते हैं। मुगल का प्रभाव इसमें काफी पड़ा था। अच्छा, बीकानेर में भी स्टार्टिंग से मुगल का प्रभाव पड़ा था, ठीक। जयपुर के हमको साहिबद्दीन याद रखो, लालचंद याद रखो। साहिबद्दीन जो है आपके फुल आदमकद चित्रों के लिए माने जाते थे, लालचंद जो है लाल चितेरा भी बोलते जिसको, वो जो है अपने पक्षी पशु पक्षी इसके लिए जाने जाते थे, ठीक है। शेखावटी अपने म्यूरल्स के लिए फेमस है, वॉल पेंटिंग्स के लिए फेमस है। फिर आते इधर कोटा, कोटा में आपको सिर्फ यही याद रखना है कि वो अपने शिकारी दृश्यों के लिए फेमस है। बूंदी में आपको 12 मास की रागमाला के लिए फेमस है, चुनार रागमाला जो सबसे एंशियंट है उसके लिए फेमस है, प्लस नगर दृश्य रंगीन चटकीले कलर के लिए बूंदी आपकी फेमस हो जाती है, ठीक। ये हो गया राजस्थान। अब मुगल, मुगल में बाबर, बाबर के समय ज्यादा पेंटिंग तो हुई नहीं, एक ही आए थे, कौन आए थे, अपने बसावन को लेके आए थे और उन्हीं ने वो चित्रण किया। बोलते हैं बसावन जो है वो दाढ़ी वाले चित्र इतने अच्छे से नहीं बना पाते थे, तो ये आपका बाबर की कहानी है। उसके बाद हुमायूं, हुमायूं जब गए थे पर्शिया, वहां से 2 आर्टिस्ट को लेके, एक ख्वाजा अब्दुस्सनंद और मीर सैयद अली। बहुत बार आता है अब्दुस्सनंद बड़े हैं, सैयद अली छोटे हैं, उन्हीं से उन्हीं के समय लेके तो आए। फिर हुमायूं की तो डेथ हो गई थी लाइब्रेरी से गिर के। फिर अकबर थे, अकबर के शासनकाल में उन्होंने चित्रशाला के इस्तेमाल किया, दीन इलाही परंपरा अपनाई और हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिलकर काम करते थे, चित्रशाला डेवलप करी, उसी चित्रशाला का हेड अब्दुस्सामंद को बना दिया था। और अब्दुस्सामंद को बना दिया था, और क्या बचा है यार, हमजा नामा की चित्रावली इनके समय पे हुई। हमजा नामा कौन, हमजा कौन थे, आमिर हमजा तो जो इनके मोहम्मद थे उनके चाचा थे। और बस इतनी चीजें हैं, और पोर्ट्रेट बहुत सारे बने। बस फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया, फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी चीजें हैं, जोधाबाई महल, बीरबल महल और वो आपका कितनी सारी चीजें थी यार, भूल जाते हैं बार बार। बीरबल महल, जोधाबाई महल, दीवाने आम, दीवाने खास, ये चीजें, ठीक है। फिर जहांगीर पे आते हैं, जहांगीर का टाइम जो है पेंटिंग का गोल्डन एज, मुगल पेंटिंग का गोल्डन एज माना जाता है। अकबर का टाइम आर्ट का गोल्डन एज माना जाता है, लिटरेचर का गोल्डन एज माना जाता है। जहांगीर ने पशु पक्षी के चित्रण किया, जहांगीर खुद एक बहुत अच्छे कलाकार थे। इनके समय जो, हाँ, अकबर के समय जो आर्टिस्ट हैं, ख्वाजा अब्दुस्सनंद, मीर सैयद अली, दासवंत, बसावन, इनको याद रखना है। दासवंत जो है अब्दुस्सामंद की चित्रशाला में ही पेंटिंग किए थे और फिर सुसाइड भी कर लिया था आगे। और इन्होंने वो रज्मनामा, इनके भी चित्रण किया। रज्मनामा क्या है, तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। और हाँ, फिर आते हैं हुमायूं, सॉरी जहांगीर, जहांगीर ने सब पेंटिंग करी। जहांगीर के समय के जो आर्टिस्ट हैं, एक आपके अबुल फजल हैं, दूसरे आपके वो हैं मंसूर हैं, मंसूर को पक्षी चितेरा कहा जाता है, सॉरी अबुल फजल नहीं, अबुल हसन, अबुल फजल वो है जिनने अकबर नामा लिखा था। तो अबुल हसन को नादिर उल जमर की जमन की उपाधि मिली थी और मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि मिली थी। फिर आते हैं शाहजहां, शाहजहां जो है उनका समय पेंटिंग तो ज्यादा डिक्लाइन हो गई थी, लेकिन शाह कलम टेक्निक चालू हुई थी। शाह कलम मतलब इंक से पेंटिंग करना, और वो इसलिए चालू हुई थी क्योंकि वहां पे शाहजहां का दिमाग आर्किटेक्चर में ज्यादा चल गया था, लाल किला वगैरह उनने जो जो बनवाए थे, ठीक है। फिर आते औरंगजेब, औरंगजेब ने सबको भगा दिया कि भाई पेंटिंग मत करो, तो आर्टिस्ट भग के कहाँ चले गए, पहाड़ी पे चले गए। ये कोई सब लिखा है वैसे, मैंने यार देख लो एक बार। सुजुके बाबरी, बाबर नामा, शाह नामा, ये सब इनके सामने बनी। काजबुली बाग बनी, जामा मस्जिद बनी दिल्ली की। फिर पोथी चित्रण हुए इनके समय, दास्ताने अमीर हमजा चित्रण नहीं हुए थे भाई, पोथी लिखी गई थी। मासीर उल उमरा ये बनना, ठीक है, वास्तु कला। फिर ये इस समय देखो इम्पोर्टेंट, हुमायूं का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में है, अकबर ने बनवाया था, वो बढ़िया, उसी की इंस्पिरेशन से आगे ताजमहल बना था, ठीक है। ये सब चीजें लिखी थी भैया, देख लो, हमजा नामा, अकबर नामा, तिमुर नामा, बगत बाबरी। बाकत बाबरी क्या है, बाबर की वो है, खाने खाना ने उसको ट्रांसलेट किया था। तिमुर नामा, तिमुरिया नामा जो है बाबर नामा, रज्म नामा यही आपका वो, अनवर सुनेली क्या है, तो पंचतंत्र इनकी कन्वर्जन है। फिर
जहांगीर महल बनवाया था, हुमायूं महल, ये सब जहांगीर महल, अकबरी महल बना था फतेहपुर सिकरी में, अल्लाहाबाद किला, लाहौर किला, फतेहपुर सिकरी, ये बनाया था। जहांगीर नामा मिर्च का चित्रण हुआ, चिनार वृक्ष पर गिलहरी, अबुल अबुल हसन और विन ने बनाया था मंसूर ने मिलके, बाज है मंसूर ने बनाया, शिकार चित्र मंसूर ने बनाया, नूर जहां का शब्बीर उनने बनाया, कौन है चलिए बताइए, नूर जहां का शब्बीर किसने बनाया? एक और आर्टिस्ट रह गए थे बताना, आप लोग बताइए इस इनके समय के वास्तुकला में। इन्हें सिकंदरा में क्या बनाया? अकबर का मकबरा बनाया, और तिमदुल्ला का मकबरा जो बनाया लाहौर में बनाया, जहांगीर का महल भी इस समय, जहांगीर का मकबरा भी बना था उनकी, उसने बनवाया था, और मुगल का ये मार्बल में बना था तिमदुल्ला का मकबरा। ठीक है चलिए ये बता देना आप लोग, नूर जहां का शबीह किसने बनाया था? एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट जहांगीर के रह गए थे, भूल गई थी। फिर आते जहांगीर, जो त्रियुवा शाहजहां, गुलतिस्तान, पादशाह नामा, इम्पोर्टेंट ये जो है, ये टाइम, ये पादशाह नामा, शाहनामा जबकि हम बोलेंगे स्टार्टिंग बाबर बाबर के, अगर ये भी अरेंज में आ जाए, फिर आपका हमजा नामा वगैरह आए तो वो अकबर के समय पे करना, और पादशाह नामा शाहजहां के समय की स्टोरी है, उनकी स्टोरी है। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, ये सब बनाया। ठीक है फिर गोलकुंडा पे विजय, ये चित्र है औरंगजेब के समय भी थोड़ा बहुत जो। ठीक है बिशन दास, वेरी गुड, बिशन दास ने बनाया नूरजहां का शबीह। बिशन दास उस समय पोर्ट्रेट बनाने के अच्छे पेंटर थे, पोर्ट्रेट बेस्ट पोर्ट्रेट जो है जहांगीर के समय बने हैं, और बहुत सारे पोर्ट्रेट जो है अकबर के समय बने। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद, बादशाही मस्जिद, ये इन्हें बनाया। बीबी का मकबरा किस जगह पे है आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता देना। ठीक है फिर आते हैं दक्कन समय, बहमनी सल्तनत का समय, जब 14वीं से 18वीं शताब्दी, बिरार, बिदार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये सेंटर थे, लेकिन फिर फर्दर जब कुछ चीजें हुई तो बीजापुर और इनमें अहमदनगर में बिदार बिरार भी मिल गए, और ये ऐसे आ गए सामने। ठीक है तो कुछ नहीं याद रखना, बीजापुर 1490, आदिलशाही वंश, पोथी चित्र ये हुआ इस समय, पोर्ट्रेट, रागमाला चित्रण, पटचित्र, स्थापत्य, गोल गुंबज, बीजापुर दुर्ग आदि। अहमदनगर जो है उसमें निजाम शाही वंश था, इतना याद रखना, पोथी चित्रण हुआ है, तारीफ हुसैन शाही, रागमाला का चित्रण हुआ। गोलकुंडा जो है उसमें समय स्थापत्य बना था चार मीनार, चार मीनार कहाँ पे स्थित है आप लोग बताइए। हाँ बिशन दास बिल्कुल सही है, ठीक है आंसर बताइए जल्दी, ये चार मीनार कहाँ पे? पोथी चित्रण, दीवाने आम। ठीक है हैदराबाद जो है कुतुब शाही वंश था, इसी का आगे बढ़ गया था, और पोथी चित्रण हुआ तो जुके एसपी हुआ, इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ मतलब। ठीक है हाँ चार मीनार हैदराबाद में है, चार मीनार अहमदाबाद में, और चांद मीनार कहाँ पे है वो भी आप ही को बताना है, मैं तो नहीं बताऊंगी। पानी पी लें दफ्तर। ठीक है चार मीनार तो हैदराबाद में, चांद मीनार बता देना। ठीक है फिर आते हैं पहाड़ी पे, औरंगजेब ने भगा दिया, आ गए पहाड़ी पे। सबसे पहले पहाड़ी में इन पर्सपेक्टिव में सारे आर्ट स्कूल होते हैं, देख लो मैं जो दिखाऊंगी वो दो तीन दिखाऊंगी। गुलेर सबसे आरंभिक, इन्हीं में अपन बोलेंगे कि इंस्पायर होके कांगड़ा पेंटिंग हुई, और फिर उसके बाद है ना गुलेर के नाम से यही चीजें ध्यान रखना, और गोवर्धन सिंह ये याद रखना। फिर कांगड़ा में आते, कांगड़ा में संसार चंद याद रखना, संसार चंद की उसमें जो बोलते हैं संसार चंद सबसे गोल्डन एज का टाइम था। ठीक है बहुत छोटे एज के उसमें राजा बन गए थे। कांगड़ा ए स्कूल जो है अपने सॉफ्टनेस के लिए जानी जाती है, अपनी पेंटिंग्स में अपने सॉफ्टनेस, कलर यूज, सॉफ्ट लाइंस ये सब यूज हुआ है, और अच्छा खासा आप बोलोगे कि बहुत क्रिएटिवली, प्लस नायका है ना जो नायका भेद है उसमें कांगड़ा को याद रखना, नायका भेद का समय बोलेंगे कि ये हुआ है। ठीक है हाँ चांद मीनार दौलताबाद महाराष्ट्र, वेरी गुड। ठीक है प्लस आते हैं बशोली पे, बशोली याद रखना, इसको अर्नियर भी माना जाता है, इसमें सोन किरवा नाम का कागज यूज होता था, प्लस ये लोक कला और मुगल कला से इंस्पायर्ड है, इसको याद बहुत अच्छे से रखना, कलर जो है ब्राइट कलर्स यूज हुए हैं ये आपको याद रखना। ठीक है चंबा जो है अपना चंबा रुमाल के लिए जाना जाता है, इतना याद रखना। जम्मू से जसरोटा याद रखना, आर्टिस्ट जो है यहाँ के नैनसुक याद रखना, मनकू याद रखना, ये याद रखना। ठीक है चलिए और थोड़ा सा कोई डिटेल है तो आप बता देना, मतलब टेलीग्राम वगैरह पे, हमको आगे इसमें चलना चाहिए इसलिए मैं अभी आगे बैठू। अब आते हैं मॉडर्न 19th सेंचुरी, कंपनी शैली की स्थापना हो गई। क्यों हो गई स्थापना? क्योंकि अब ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश आ गए सबको भगा दिया और तुम भी निकल लो अब है ना, जो भी है।
पहाड़ी वाले भी बेचारे है ना, आखिरी आखिरी में जैसे क्या हो गया कि भगने लग गए, तो वो दिया संरक्षण दिया, लेकिन एट द एंड क्या हो गया कि ब्रिटिश के गुलाम बन गए हम लोग। इन जनरल बोलना ऐसा हुआ नहीं है ढंग से, आपको ब्रिटिश के गुलाम बन गए, उनके जैसा काम करना है, उनके जैसा काम करना है, तो पटना शैली में हुआ, वहां का जो आपको सेंटर है ये बस हो गया। अच्छा ठीक है, तो पटना शैली है उसमें आर्टिस्ट को याद रख लेना, ईश्वरी प्रसाद और ये सब याद रखना, पटना शैली में है। जो वॉश में काम करना है ना, वॉश उसमें काम करने लगे, पटना शैली का जो आप आम जनजीवन का उसका सब्जेक्ट मैटर है वो याद रखना। वो जो है अपने अंग्रेज लोग हैं, आम जनजीवन पुतवाते थे, क्यों पुतवाते थे, वो पेंट करके वो लोग अपने यहाँ पे भेजते थे, तो हमारे आर्टिस्ट से वो ये चीजें पेंट कराते थे, ठीक है। प्लस फिरका होती है, फिरका मतलब एक छोटे पोस्ट कार्ड जैसा साइज होता है, उसमें पेंटिंग बनी, तो फिरका इस समय पे बनी थी, ठीक है। इतनी चीजें याद रखना, वॉटर कलर का यूज होता था ये याद रखना, ठीक है। अब बंगाल स्कूल है, रेनाइसेंस पुनरुत्थान का समय 1905 से चालू हुआ था, 12वीं सेंचुरी से वॉश टेक्निक आई थी इसमें, अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट करा था, बंगाल में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद से जो कथा हुई वो आपकी आर्टिस्ट जो अपन बताएंगे वो आर्टिस्ट मैं अगली क्लास में बताऊंगी, इसलिए इस चीज को यही छोड़ रही हूँ। कला महाविद्यालय के स्तर में ये सारी चीजें आपकी आर्टिस्ट में कवर करूंगी, इसलिए इस चीज को यही छोड़ रही हूँ, ठीक है। अभी आ जाओ आप लोग, इस पे आ जाओ, ठीक है। प्रिंट मेकिंग क्या होती है उस पे आ जाओ फटाफट, प्रिंट मेकिंग शुरू कर रहे हैं, उसके बाद 2-5-10 क्वेश्चन बोलूंगी तो हो जाएगी क्लास। प्रिंट मेकिंग पे आ जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट उसी पे आ रहे हैं। ये क्या था, तो किसी भी चीज की प्रिंट लेना प्रिंट मेकिंग कहलाती है। प्रिंट जो है बेसिकली 3 टाइप की होती है, रिलीफ प्रिंट, इसमें आप लोग आज ना बहुत डिसअपॉइंट कर रहे थे कोई क्वेश्चंस पे, आज मैंने टेलीग्राम देख रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इतनी डीप में प्रिंट पड़ा है तो भी आप लोग ऐसी ऐसी बातें करते हो। सीधी साधी बात है, रिलीफ क्या होती है, उभरे हुए सतह पे प्रिंट लेनी है, इंटेग्लियो क्या होती है अंतः सतह पर प्रिंट लेनी है, और प्लेनोग्राफी क्या होती है समतल स्ट्रेट सतह पर प्रिंट लेनी है, बस इतनी सी चीज है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो रिलीफ प्रिंट है, रिलीफ प्रिंट के अंदर आपकी वुड कट, वुड एनग्रेविंग, लिनो कट, जेलोग्राफ, कोलोग्राफ, इतनी चीजें आएगी। वुड कट क्या है, वुड कट है कि भाई कोई भी लकड़ी लो उसको काटो, या अभी मैं सिर्फ सब वो पढ़ा रही हूँ, उसके पीछे की थ्योरी और हिस्ट्री ये सब नहीं पढ़ाऊंगी, किसने क्या इंट्रोड्यूस किया ये सब आप लोग क्लास में देखना। अभी सिर्फ आपको एक टेक्निक जो बहुत बार आती है, वुड ली, लकड़ी ली, लकड़ी में क्या किया सबसे पहले ड्रॉइंग करी, ड्रॉइंग के बाद उसको कट कर लिया, उभरे हुए सतह पे इंक लगा दी, पेपर रखा और प्रिंट ले लिया, तो ये आपका प्रोसेस है, चित्रांकन, काटना, इंक और प्रिंटिंग करना, तो ये वुड कट है, मोटे मोटे प्रिंट इस समय पे हो जाती है। फिर आते हैं वुड एनग्रेविंग पे, जिसका जो टूल आपको याद रखना है ब्यूरिन ग्रेवर। ब्यूरिन ग्रेवर क्या होता है कि जब वुड को आपको बारीक एनग्रेव करना है, कट तो आप उससे टूल से कर लेते हो, यहाँ पे जो है आपको ग्रेवर का यूज करना होता है, तो चित्रांकन होगा फिर एनग्रेविंग होगी, मतलब वुड आपने लकड़ी ली, लकड़ी से आपने उसको पूरा बारीक बारीक एनग्रेव किया, ऊपर उभरे हुए सतह पे इंक लगाई, पेपर रखा और प्रिंट ले लिया, तो चित्रांकन, उत्कीर्णन, इंकिंग और प्रिंटिंग, ये चीज क्या होती है वुड एनग्रेविंग होती है। लीनो कट होता है, लीनो की शीट होती है, लीनो बोले तो रबड़ पॉलीमाइज, रबड़ की शीट होती है, उसको वी शेप टूल से या गेज भी बोलते हैं उसको, उससे आप कट करते हो, तो पहले चित्र करो, उसमें भी यही है कि ड्रॉइंग बनाओ, किसी भी चीज पे ड्रॉइंग बना दो, उसको टूल से कट कर दो, ऊपर वाला जो एरिया होगा उस पे इंक लगाओ और प्रिंट ले लो। फिर आते हैं जेलोग्राफ पे, जेलोग्राफ मतलब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे हमको इंक पहले इंक नहीं लगानी होती है, पेपर पे इंक लगाते हैं, वुड पे नहीं लगाते, बस इतनी बात है, जो भी सब्सटेंस है आपको उस पे नहीं लगाते, जैसे कि आप ऐसे पेपर रखते थे कॉइन के ऊपर और उसपे पेंसिल चला देते तो प्रिंट आ जाती थी, उस तरह से करते हैं, तो पहले आप उसको कटिंग तो वैसे ही करो, मतलब कटिंग करके उसको रिलीफ बना लो और फिर पेपर रखो और फिर इंक लगा दो पेपर पे, तो आपकी प्रिंट आ जाएगी, ये प्रोसेस आपका जेलोग्राफ का होता है ये रिलीफ का ही। कोलोग्राफ, कोलोग्राफ मतलब क्या है कि किसी भी चीज को, सामग्री को किसी भी पेपर पे आप, मतलब कि सब्सटेंस पे नहीं बना के आप सामग्री चिपका दो, कोलाज क्रिएट कर दो 3D, ऊपर वाली चीज पे इंक लगाओ और प्रिंट ले लो, तो ये चीजें चिपकाने वाली चीज जो होती है कोलोग्राफ, कोला मतलब ग्लू कहते हैं, तो ग्लू से कोलोग्राफ, कोलाज भी सब चीज उसी से बनी है, उसको ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गई, तो ओवरऑल जो रिलीफ प्रोसेस है उसका यही सिस्टम होता है, रेखांकन पहले लिखो,
वो ड्रॉ करो, फिर एनग्रेव करो, इंक लगाओ और प्रिंट ले लो, ये वाली चीज इसमें आपको होती है। एनग्रेव करो, कट करो, जो भी करना है जैसे भी करना है, पर ऊपर वाली चीज में इंक लगा के प्रिंट ले लोगे। फिर आती है दूसरी मैसेज जिसको इंटाग्लियो कहते हैं। ठीक है, आ जाइए वापिस। जिसको मैं बोल रही थी कि आपका नेट मेरे ही कुछ गड़बड़ हो गई थी, तब तक अच्छा चल रहा था। ठीक है, आ जाइए वापिस। नाउ स्टार्ट नाउ, ओके। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। एचिंग की बात हो रही थी, अमलांकन की बात हो रही थी, यहाँ पे हम बात करते हैं। अभी नॉइज ठीक है, वॉइस ठीक है? ठीक वो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, मेरे माइक्रोफोन ऑफ थे। ठीक है, तो ग्राउंड जब भी आएगा तो ग्राउंड प्रिपेयर होके ही ड्राइंग होगी, इसका ध्यान रखना, इसलिए उसको रेखांकन ड्राइंग बोलेंगे। फिर स्टेप ऑफ वॉर्निश लगाएंगे, फिर एचिंग मतलब अमलांकन एसिड में डालेंगे, फिर इंक लगाएंगे और फिर प्रिंट लगाएंगे। इंक जो है आप हमेशा आपकी अंतर सतह पे लगाएंगे, ये वाली चीजों को आप हाँ इसमें ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्वाटिंट। एक्वाटिंट में इतना ही ध्यान रखना है, चीजें सब एचिंग अमलांकन एक ही जैसी होती है, लेकिन एक्वाटिंट में रेसिन प्लेट का यूज होता है। रेसिन प्लेट मतलब जिसको आप रेजिन बोलते हो हिंदी में, क्या बोलते हैं, गारा, क्या पता क्या बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिन डस्ट का यूज होता है, इतना याद रखना। एक्वाटिंट में होता है, फ्रांसिस्को गोयास के बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, उसको उनको भी याद रख लेना। और एक चीज याद रखनी है कि रेसिन प्लेट को यूज करके ही आप उसका एक ग्राउंड बनता है। रेसिन डस्ट भी लगाओगे, उसको गर्म करोगे तो एक ग्राउंड बन जाएगा, और उसी में फिर ड्राइंग होगी। ड्राइंग में एचिंग में डालोगे, इंकिंग इंक लगाओगे और प्रिंट ले लोगे। प्रोसेस सबका सेम होता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा अगर इंटेग्लियो प्रोसेस है वो आप चाहो तो देख सकते हो बड़े अच्छे से। ठीक है, इतनी चीज थी एक्वाटिंट में। और रेसिन कोई बोल रहा था कुछ नहीं, वो लिथो में था, किसी ने पूछा था लास्ट टाइम। एक्वाटिंट में हमेशा एसिड का यूज होगा, अमीजोटिंट में एसिड का यूज नहीं होगा। अमीजोटिंट में हम क्या करेंगे, अमीजोटिंट में जो याद रखना है वो ऑलवेज रॉकर और रॉलेट याद रखना है, जो उसका टूल होता है। जैसे एक्वाटिंट में रेजिन याद रखना, अमीजोटिंट में रॉकर रॉलेट याद रखना, वो जो टूल होते हैं जिससे आप हाफ टोन्स क्रिएट करते हैं, डॉट डॉट बना के आप स्केच करते हो मेटल शीट पे, तो वो आपका अमीजोटिंट होता है। चीजें वही है, रेखांकन वही है, इंकिंग वही है, बस रॉकर और रॉलेट से ड्रॉइंग किया जाता है, इससे रॉकर रॉलेट को इसमें इंक्लूड किया है। फिर ड्राई पॉइंट होता है, ड्राई पॉइंट में स्क्रिबर होता है, स्क्रिबर एक पतला सा नीडल जैसा होता है जिससे आप उसको खुरेच के बनाते हो, इसलिए उसको आप ड्राई पॉइंट कहते हो। ड्राई पॉइंट में एक क्वेश्चन आ चुका है कि भाई कौन कौन सी मेटल शीट यूज करते हैं, एक्रेलिक शीट तो सब यूज करते हैं, कार्डबोर्ड जैसी चीज यूज नहीं करेंगे। बाकी आजकल पी वो बोलते हैं पीवीसी और ये सब जो एक्रेलिक चीज है ये भी यूज किया जाता है। ठीक है, प्रिंटिंग और सेम चीज है, बाकी प्रिंटिंग की वही है, इंकिंग लगानी है और काम करना है। ड्राई पॉइंट जो है थोड़ा डिटेलिंग प्रिंट लेने में यूजफुल रहता है। ठीक है, फिर आते उभार सतह प्रणाली, तो यही थी।
वापस क्यों आ गया? तो सतह में क्या होता है? सीधी सी बात है, रेखांकन करेंगे, फिर एनग्रेविंग एचिंग जो करना है वो करेंगे, इंक लगाएंगे, प्रिंट लेंगे, प्रिंट हमेशा अंतर सतह में रहेगी। एक क्वेश्चन आया है कि इंटेग्लियो में अर्ध पेपर का यूज हुआ है। अर्ध पेपर मतलब हल्का सा गीला पेपर यूज करते हैं। क्यों हल्का सा गीला पेपर यूज करते हैं? कि जो ये आपकी लाइन है उसके अंदर वो पेपर चले जाए, उसको जब हम डालेंगे तो वो अंदर इंक इंक अंदर लगी लगनी चाहिए ना, अंदर इंक लगी रहती तो पेपर अंदर डालने के लिए आप थोड़ा सा अर्ध या बोलेंगे कि आधा गीला पेपर को यूज करते हो। फिर प्लेनोग्राफी आती है। प्लेनोग्राफी में कुछ नहीं, लिथोग्राफी होता है, जिसमें आप बोलते हैं एरबिक गम, ये एसिड सोल्यूशन जो है, ये वाटर एसिड सोल्यूशन है, जो हम पत्थर पे पहले ड्राइंग करेंगे, फिर ये सोल्यूशन लगाएंगे, जिसमें एरबिक वाटर, नाइट्रिक एसिड या बोलेंगे जिलेटिन, ये सब चीजें, गम, एरबिक, ये सब मिला रहता है। पानी लगाओगे, देखो एसिड सोल्यूशन वहां लगाओगे जहां पे आपको नॉन प्रिंटिंग एरिया है, पानी वहां लगाओगे जहां आपको इंक वाली चीज चाहिए, फिर इंक लगाओगे, सॉरी सॉरी सॉरी, एसिड वहां लगाएंगे जहां पे हमको पानी लगाना है, और इधर फिर इंक लगाएंगे और प्रिंट ले लेंगे। ये जो बात एक आई थी क्वेश्चन कि एसिड और वाटर रिपेल करता है, लिथोग्राफी आया था। लिथोग्राफी ऑलवेज सेम सर्फेस पे होगी क्योंकि ये वाटर ऑयल कॉन्सेप्ट पे बेस करता है, ठीक है, हमेशा सेम सर्फेस पे होगी, समतल सतह पर लिथोग्राफी होगी, इसलिए उसको प्लेनोग्राफी बोलते हैं। प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग एरिया एक ही साथ होगा, प्लस इसका जो कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है कि वाटर और ऑयल आपस में मिक्सचर ना हो, इसलिए वो आकर्षित नहीं करेंगे, वो रिपेल करेंगे, कभी भी ध्यान देना, वो रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये चीज एक क्वेश्चन दिया था इसलिए बता रही हूँ। फिर आते ऑफसेट, ऑफसेट को सीधे एक क्वेश्चन आता है कि वो कैसी प्रिंट देती है, तो वो हमेशा सीधी प्रिंट देती है। सीधी क्यों देती है? ऑफ का मतलब उल्टा होता है, ये उल्टा जो है आपका, ये पूरा देखो ये मैकेनिज्म है, आप उसको फोटो में देख सकते हो। सबसे पहले आप उसको एक्सपोज करते हो, एक्सपोज करना मतलब स्केच देना, किसी भी चीज को जो भी आपको ले है उसका स्केच लोगे, प्लेट सिलेंडर पे आप उस मतलब प्लेट में उसकी ड्राइंग लेके और प्लेट सिलेंडर पे लगा दोगे, फिर वो घूमेगा और फिर उसमें इंक लगाओगे, इंक लगेगी और वाटर रोलर जो होते हैं वो उस जगह पे से इंक हटा देते हैं जिस जगह पे आपको प्रिंट नहीं चाहिए होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑफसेट सिलेंडर होता है, ये ऑफसेट सिलेंडर जिसमें रबड़ ब्लैंकेट का यूज होता है, तो ऑफसेट से रबड़ ब्लैंकेट याद रखना, और फिर उस पर उल्टी प्रिंट आती है पहले, और फिर इंप्रेशन सिलेंडर पे वो सीधी प्रिंट आती है। ऑफसेट में आपको CMYK, CMYK, ये क्या लिखा हुआ है, सी गलत लिखा, CMYK प्रक्रिया, ये कलर्स याद रखने, सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक, ये आता है इंपॉर्टेंट चीजें। यहाँ पे रबर ब्लैंकेट है, इंक रोलर्स है, वाटर रोलर्स है। इंक रोलर्स जो है इंक प्रोवाइड करती है, वाटर रोलर्स इंक को हटा देती है, ये चीज आपकी ऑफसेट में आती है, ठीक है। स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग में फ्रेम करेंगे सबसे पहले। फ्रेम जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कपड़े रहते हैं, जैसे सिल्क हो गया, आपकी पॉली विनाइल हो गया, इस तरह के कपड़े रहते हैं, और उसको आप फ्रेम करते हो, फिर गोल लगाते हो जिससे कि वो एक स्क्रीन सेंसिटिव हो जाती है, फिर आप उसको लाइट पे एक्सपोज करते हो, लाइट आपको आपके जो प्रिंटिंग एरिया, नॉन प्रिंटिंग एरिया को कड़ा कर देती है, प्रिंटिंग एरिया पे एक्सपोज नहीं होती है, फिर आप उसको टेप करके, फिर उसको सॉरी उसको एक्सपोज के बाद उसको धोते हो, फिर टेप करते हो, और फिर आप उससे स्क्रैपर से विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर प्रिंट लेते हो, तो सिल्क के कारण स्क्रैपर आता है, उसको ध्यान रखना। बाकी जो कॉन्सेप्ट है आप उसको क्लियर देखो, अभी मैराथन में इस चीज को इतना डीप में नहीं बता पाऊंगी। एक चीज और आती है जो कि उसमें लिख नहीं पाए थे, लेटर प्रेस होता है। लेटर प्रेस जो है आपका बहुत पुराना व्यवहारिक प्रिंट है, रिलीफ प्रेस में काम करता है, पुराने उसमें एक एक लेटर जो होते हैं लेड के बने होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था, लेड के बने हुए होते थे और उस समय पे प्रिंट लेने का काम किया जाता था। एक चीज आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? तो वो आपके चिपचिपाहट, मतलब आप इंक को अलग अलग चिपचिपाहट में डिफरेंट इंक को, मतलब ये एक मल्टी कलर प्रिंटिंग की प्रोसेस है, प्लस एक चीज है मल्टी कलर प्रिंटिंग की, दूसरी है इंटेग्लियो रिलीफ, दोनों कॉन्सेप्ट पे काम करता है, और इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंक, डिफरेंट विस्कोस इंक को यूज करते हैं, और डिफरेंट हार्डनेस, रोलर के हार्डनेस को यूज करते हैं। इतना ध्यान रखना, उसकी डिटेल जो है आपको क्लास में मिलेगी, वो देखना। लेकिन जो क्वेश्चन आता है इसमें मेटल की चीजें, कोई मेटल ब्लॉक का यूज होता है, मतलब मेटल प्लेट का यूज होता है, और इसमें डिफरेंट हार्डनेस, मतलब एक बार आप हार्ड रोलर यूज करते हो, एक बार सॉफ्ट रोलर यूज करते हो, एक बार हार्ड रोलर, एक बार सॉफ्ट रोलर, तो ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं जिससे एक ही प्लेट की मदद से मल्टी कलर प्रिंट आ जाती है। तो ये है, इसको इसकी खोज का श्रेय स्टेनली विलियम हेटर को जाता है, भारत में ये वो लेके आए थे कृष्णा रेड्डी, एटेलियर 17 जो है वो इस भी कॉन्सेप्ट पे काम किए थे। ग्रुप 8 जो है ग्राफिक आर्ट्स इंट्रोड्यूस है 1767 में है, जगमोहन चोपड़ा इसके फाउंडर थे, ये सब आर्टिस्ट उसमें जुड़े हुए थे, ठीक है।
ये थी प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग का डिटेल बहुत अच्छे, प्रिंट मेकिंग में प्लीज गलत मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी, जितने भी लोग हो, आधे लोग तो भाग चुके हो, आए पहले कितने थे, मेरी क्षमता है, मैं इतने देर तक आपको बोल रही हूँ पर आप लोग की सुनने की भी क्षमता नहीं है। चलो आप लोगों से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। गेट्स ऑफ हेल किसने बनाया है? और जो बाकी के टॉपिक हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूंगी। ऑलमोस्ट बहुत चीजें हो गए। गेट्स ऑफ हेल किसने बनाया, फटाफट कमेंट पे देते जाना। ठीक है, ऑगस्ट ओडिन ने बनाया है। नाइट वॉच किसने बनाया है? नाइट वॉच रेमब्रांड ने बनाया है। ठीक है, अपोलो एंड डेफने का मूर्ति किसने बनाया है? ठीक है, अपोलो एंड डेफने की मूर्ति किसने बनाई है? और भारत का सबसे पुराना पोस्टर म्यूजियम कहां पर है? ठीक है, बर्नीनी ने बनाया है अपोलो एंड डेफनी। भारत का सबसे पुराना पोस्टर म्यूजियम? वार्सा पोलैंड में। एंटी आर्ट किस आर्ट मूवमेंट को कहते हैं? आर्ट मूवमेंट नेक्स्ट उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको, संडे को होगा वो, संडे को। बढ़िया, थोड़ा आज का थके हुए भी हैं, एकदम आए और आके बैठ गई आपकी क्लास लेने, क्योंकि ये कमिट किया था बस इसलिए। संडे को बहुत फ्रेश में लंबा भी करेंगे तो जितना बचेगा और आप लोग डिमांड आपका। ठीक है, वार्स ऑफ पोलैंड। एंटी आर्ट मूवमेंट किस आर्ट मूवमेंट को कहते हैं? हाँ, दादाइज्म को। आर्मरी शो कहाँ पे हुआ था? 1913 में हुआ था, ये मैं बता देती हूँ। कहाँ हुआ था ये आप बता दो। उन्नीस सौ तेरह में हुआ था, बता दिया है, कहाँ हुआ था ये बताओ जल्दी से, फिर मैं इसको हटाऊं। न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, फादर ऑफ एडवर्टाइजमेंट किसको कहा जाता है? फादर ऑफ एडवर्टाइजमेंट किसको कहा जाता है? फादर ऑफ वुड इंटेग्लियो इन इंडिया, फादर ऑफ विस्कोसिटी इन इंडिया। हनीवा टेराकोटा कहाँ से संबंधित है? ठीक है, सनत्कर और डेविड ओगिलवी, कृष्णा रेड्डी। ठीक है, विस्कोसिटी जो है वो कृष्णा रेड्डी है, फादर ऑफ वुड इंटेग्लियो सनत्कर है, फादर ऑफ एडवर्टाइजमेंट डेविड ओगिलवी है। हनीवा टेराकोटा जापान से रिलेटेड है। ठीक है, केजी सुब्रमण्यम, केजी सुब्रमण्यम फादर ऑफ सेरीग्राफी इन इंडिया है ना, जिसने भी केजी सुब्रमण्यम लिखा उन्हें सेरीग्राफी स्टार्ट किया था। कांथा टेक्सटाइल कहाँ से है? कांथा टेक्सटाइल क्या मतलब, कहाँ से याद कर करके चीजों को ला रहे हैं, जो मन पड़ रहा है पूछे जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। भारत भवन का डिजाइनर कांथा टेक्सटाइल बंगाल की है। भारत भवन के डिजाइनर कौन है? ठीक चार्ल्स कोरिया। ठीक है, मूवेबल टाइप, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस या फादर ऑफ प्रिंट मेकिंग कौन कहलाता है? 1440 में हुई थी इसकी वो, और वो कौन कहलाता है? मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, सबसे ऊंची कोलोसल, कोलोसल बुद्ध प्रतिमा कहाँ है?
हाँ ठीक है, जॉन गुटेनबर्ग सही है इसका आंसर, गुटेनबर्ग। सबसे ऊंची कोलोसल बुद्ध की प्रतिमा कहाँ है, जो ध्वंस भी हो चुकी है, विध्वंस हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। यूकियो प्रिंट कहाँ की है, यूकियो ई प्रिंट कहाँ की है और ये क्या है? यूकियो ई प्रिंट जापान की है और ये वुडकट प्रिंट है। 17 से 19 ये क्वेश्चन शायद कहीं आया है इसलिए, 17 से 19 सेंचुरी पे हुई थी इस समय पे, है ना, 17 से 19 सेंचुरी के समय पे ये उसमें आई थी। अच्छा, बर किससे संबंधित है, बर काय में क्रिएट होता है? और पैटिना क्या है, पैटिना, पैटिना कोटिंग किस पे की जाती है, कौन से मेटल पे की जाती है? बर मेटल से संबंधित है, मेटल जब कास्टिंग होती है उसमें क्रिएट होता है। पैटिना जो है, पैटिना की कोटिंग किस पे की जाती है, पैटिना की कोटिंग कौन से मेटल पे की जाती है? स्पाइन क्या होता है? ठीक है, ब्रॉन्ज पे की जाती है। पैटिना का क्वेश्चन आता है कितने, तो पैटिना इज अ केमिकल रिएक्शन जो कि करोजन से आपको प्रिवेंट करता है। स्पाइन क्या होता है? भारत का पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर कौन सा न्यूज़पेपर छपा भारत में? बुक का समथिंग कॉल स्पाइन, वेरी गुड। बुक की थिकनेस, बुक की मोटाई, ना वो चारों चीजें बुक की देंगे फिर क्या करोगे। ठीक है, बंगाल गजट जिसको हिकी गजट भी कहते हैं, जेम्स ऑगस्ट हिकी ने इसका स्टार्टिंग किया था। अभी क्वेश्चन आया था एक, कौन से आर्टिस्ट के उसपे पहला एडवर्टाइजमेंट बना था, कौन से आर्टिस्ट के पोस्टर पे, आर्टिस्ट का पोस्टर था, पेंटिंग था, जो भी बोलो, उस पे पियर्स का एड बना था 1887 में, वो आर्टिस्ट कौन थे? ठीक है, दो अक्षरों के बीच की वर्टिकल स्पेस को क्या कहते हैं? लो टाइपोग्राफी आ गए। दो अक्षरों के बीच के वर्टिकल स्पेस को क्या कहते हैं? पोर्सिलीन कहाँ की कला है, कहाँ की कला है, कौन से देश की? और स्नफ्ड बॉटल्स भी होते हैं जो, स्नफ्ड बॉटल्स ही बोलते हैं ना उसको, ये दोनों कहाँ की कला है? चाइना की है, वेरी गुड। नेशनल म्यूजियम, म्यूजियम न्यू दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई? भी थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। ठीक है, 1954 सही है। फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किसको कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की शुरुआत किसने की? फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किसको कहा जाता है और फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट किसको कहा जाता है? ये दो क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। हाँ लीडिंग सही है भैया, वर्टिकल का आंसर लीडिंग सही है। ठीक है, कर्निंग दो अक्षरों के बीच की जगह होती है ना, लीडिंग सही है आपका। ठीक
ठीक है, किंडिस की, और ये हिस्ट्री ऑफ आर्ट वसारी, क्यों? क्योंकि कहते हैं कि यूरोप की कला की मोस्टली हिस्ट्री लिखने का श्रेय जॉर्ज वसारी को जाता है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट शुरू करने वाले, वैसे लिखी किंडिस की थे। फिर फादर ऑफ ग्राफिक डिजाइन, फादर ऑफ ग्राफिक डिजाइन पूछ रहे हो? फादर ऑफ ग्राफिक डिजाइन, ठीक है, ये किंडिस्की हैं, ये वसारी हैं। मूर्ति मैं ना टेलीग्राम पे भेज रही हूँ, जो मुझे लग रही है कि आ सकती है वो भेज रही हूँ, और भेजूंगी, आप लोग थोड़ा देखिए, वो इसलिए भेजते हैं। पॉल रेंड, हाँ, भारत में ग्राफिक डिजाइन सुदर्शन धीर और ऐसे पॉल रेंड, ठीक है। ठीक है, हो गया। नहीं, सारे पापा लोग आ जाते हैं ना, इसलिए पूछना पड़ता है पापा लोगों का। अर्थ आर्ट के प्यूनर, अर्थ आर्ट के प्यूनर, ठीक है, जल्दी 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 जल्दी, वो जितना जल्दी आंसर दोगे, जितना जल्दी मेरे पास आंसर आएगा, उतने क्वेश्चन ज्यादा होंगे। अर्थ आर्ट, वीडियो आर्ट, ये सब के पापा बताओ। ठीक है, वो थोड़ा दिया, मैं इतना लिख सकती हूँ, आप थोड़ा क्लियर लिख दो ना, कुछ भी लिखे जा रहे हो, ऐसे करके भी लिख दो। ठीक है, चलो, अर्थ आर्ट, रॉबर्ट स्मिथसन, क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता रहे हैं, अर्थ आर्ट से रिलेटेड। वीडियो आर्ट, नेम जून पाइक, फ्लक्सस मूवमेंट से भी इनको याद रखना है ना, नेम जून पाइक को, प्लस अपने ये एचिंग के फादर, फादर ऑफ एचिंग, ये इंपॉर्टेंट है कुछ भी, क्योंकि वुड वुड इंटेग्लियो आ रहा है ना, तो इनमें से भी कोई कोई भी आ सकता है। लिथोग्राफी सबके बता दो, छुट्टी, रिवीजन ही हो जाएगा। अरे इंडिया पहले, तो मैं ओवरऑल पूछती हूँ, फिर इंडिया पे भी आएंगे। डेनियल हॉपर, वेरी गुड महिमा भाई जी, डेनियल हॉपर एचिंग, और मुकुल चंडे भारत में एचिंग की शुरुआत की थी, ठीक है। लिथोग्राफी, लिथोग्राफी बताओ, एनोइस सेनिफेल्डर, वेरी गुड, ठीक है। फिर आते हैं अपने, विस्कोसिटी बता दो, विस्कोसिटी अभी बता ही दिया था, विस्कोसिटी बता दो। ठीक है, स्टेनली विलियम हेटर, और भारत में कृष्णा रेड्डी, उन्हें चालू किए थे, ठीक है। तो दो तीन चीजें, कुछ पॉइंट अब अपनी तरफ से बताती हूँ आपको, विश्राम। डायरेक्ट मेल क्या होता है? डायरेक्ट मेल क्वेश्चन आ जाए जैसे, तो डायरेक्ट मेल मतलब कुछ भी चीज जो 1 to 1 जाएगी, डायरेक्ट भेज रहे हो आप किसी व्यक्ति को, ऐसे नहीं 1 से 10 जनों को भेज रहे हो, मतलब एक ईमेल भेजना, पोस्ट कार्ड भेजना, आप पैम्पलेट्स भेजते हैं, ये सब डायरेक्ट मेल के अंदर आता है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो जो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। पैम्पलेट होती है, जो पैम्पलेट्स भेजते हैं उसका मोस्टली जो साइज होता है वो 7x9, 5x7 ऐसा होता है, पतले पेपर्स पे वो बनता है। नियॉन साइन होता है, नियॉन, नियॉन साइन ऐसे बोलते हैं। साइनेज क्या होता है? अच्छा, साइनेज, साइनेज होते हैं जो ये बोर्ड जैसे टंगे लगे रहते हैं ना रोड पे, वो होता है। तो नियॉन साइन क्या होता है? वो होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है होर्डिंग जैसा, कियोस्क भी वही होता है। कियोस्क भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्प्ले ही होता है। एक आता है पीओपी एडवर्टाइजमेंट, पीओपी एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट की क्लास देखी होगी तो क्लियर ही होगा, फिर भी बोलेंगे कि जो आपको इम्पल्स करता है, तो पीओपी से इम्पल्स वर्ड भी याद रखना, प्लस ये हमेशा आपको काउंटर्स पे दिखेगा, है
है ना, काउंटर पे दिखेगा, मतलब जब हम जब बिलिंग कराते हैं और वहां पे जो चीजें होर्डिंग्स छोटे छोटे से ऐसे डैंगलर भी बोलते हैं जिनको, जो लटके हुए रहते हैं, वो आपको खुद अट्रैक्ट करते हैं, आपको दुकानदार नहीं बोलता कि खरीद लो भाई साहब, आपको खुद से अट्रैक्ट करते हैं, तो वो चीज आपको होता है इम्पल्स करना, और इसी को पीओपी एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ परचेज। अच्छा, यूएसपी, यूएसपी को किसने इंट्रोड्यूस किया था, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है, ये ना सॉरी यूनिक सेलिंग प्रमोशन, ये है यूएसपी का फुल फॉर्म, है ना, यही है ना, मैं पता नहीं जो याद आ रहा है वो आपको बोले जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है, हंसी भी आ रही है खुद पे। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले महानुभव का नाम बताइए, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, सॉरी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ये होता है। हाँ, रॉजर रीव्स, वेरी गुड। और रॉजर रीव्स को और भी वर्ड से जानते हैं, कमर्शियल से, टीवी एडवर्टाइजमेंट को शुरुआत रॉजर रीव्स ने की थी, फादर ऑफ टीवी एडवर्टाइजमेंट, इसलिए मैं फादर बोलूंगी तो बोलोगे कि सब पापाओं को याद करा दो, इसलिए घुमा के पूछ लिया, पर वही हो गया। ठीक है, थोड़े से ना वो भी देख लेना आप लोग, पद्म भूषण, पद्म भूषण वाले जो वीडियो डाल रखे हैं ना, वो भी देख लेना, कभी सो रहे हो उठ रहे हो ऐसे ही चलते फिरते, तो उसमें किसको किस चीज के लिए मिला है, तो उससे जो आर्ट है वो भी ध्यान रखना कि कौन सी कला के लिए, जैसे गुड़िया कला है या बांस की डंडी वाली कला है, वो थोड़ी कला को याद रखना, तो उससे आपको समझ आएगा वो कला किस जगह की है। माता की पेचड़ी वो आया था अभी, क्या आया था उसको वर्ड में भूल गई, फिर बोला था कहाँ की, गुजरात की, कैसे याद किया था पता है आपको, उनको पद्म भूषण पद्मश्री मिला था लास्ट ईयर, इसलिए तो थोड़े से वो मेरे को दिमाग में आया था, आपको बता रही हूँ, पद्मश्री पद्म भूषण वाले वीडियो देख लेना। हैंगिंग्स आपको पता है जो लटकाते हैं उसको कहते हैं, ट्रांजिट क्या होता है, ट्रांजिट कोई बताएगा, चलो खुद ही क्वेश्चन पूछते, ट्रांजिट कहाँ पे होता है, माता की पिचोरी, हाँ बहुत अच्छे से, तो वो उसपे आर्टिस्ट का नाम भूल गई मैं, बुजुर्ग से थे वो, उनको उसपे मिला था, मतलब वो एक है, तो वो माता की पिचोरी एक मतलब विषय पे संबंधित फोक आर्ट है, वो है, वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग ही, टेक्सटाइल पेंटिंग ही है वो। ठीक है, ट्रांजिट क्या होता है जल्दी बताओ, खत्म करनी है भाई क्लास, रहम करो। ट्रांजिट क्या होता है और ट्राइम्फ ऑफ लेबर किसने बनाया, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल पर, जो चलते फिरते परिवहनों पे जो भी पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा वो आपको ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, फिर ट्राइम्फ ऑफ लेबर किसने बनाया, श्रम की विजय किसने बनाई और उसका माध्यम क्या है, श्रम की विजय, ट्राइम्फ ऑफ लेबर, डीपी राय चौधरी ने, सही है बिल्कुल, डीपी राय चौधरी ने, और उनका माध्यम ब्रॉन्ज है। ठीक है, फिर आते हैं उस पे अपन, होली ट्रिनिटी किसकी पेंटिंग है, होली ट्रिनिटी किस किसकी पेंटिंग है, अरे भैया यही तो मरवाओगे आप लोग हैं, आप लोग क्या करते हो, राम किंकर बेज, डीपी राय चौधरी, सबको क्यों उलझाते हो, क्या दिक्कत क्या है, ट्राइम्फ ऑफ लेबर पूछा है, श्रम की विजय पूछा है, और वो क्या है, वो मरीना बीच में जो भाई श्रम जो है लगे पड़े हैं, तो वो मरीना बीच याद रखो, मरीना बीच से चेन्नई याद रखो, चेन्नई से डीपी राय चौधरी याद रखो, साउथ के आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो जो कॉन्क्रीट और राम किंकर बेद बोल रहे हो वो संथाल फैमिली है जो कि एक बार आ चुकी है, पर ट्राइम्फ ऑफ लेबर अभी तक आई नहीं है। हाँ, होली ट्रिनिटी जो है अपनी किसकी है, मासाचियो की है। गेट ऑफ पैराडाइज किसने बनाया, ययाति सीरीज किसने बनाई, गेट ऑफ पैराडाइज गिबर्टी ने बनाया, ठीक है, ययाति सीरीज ए रामचंद्रन ने बनाई। बैटल ऑफ कार्बला किसका पेंटिंग है, गेट ऑफ पैराडाइज ही हिंदी में नाम है और ययाति सीरीज भी हिंदी में ही नाम है, तो हिंदी इंग्लिश के खेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, भाषा से मत बांधो यार, ना मुझे हिंदी अच्छी आती है ना मुझे इंग्लिश अच्छी आती है, क्या अच्छा आता है मैं कोई नहीं पता, तो
मैं ना हिंदी में बोल पाती हूँ ढंग से ना इंग्लिश में, ऐसे ही जी रहे हैं। कारबला, बैटल ऑफ कारबला, एम एफ हुसैन। ठीक है, द बुक मेकर किसका है? द बुक मेकर, मूर्ति है, अच्छी खासी है। द बुक मेकर, मेडसर रोसो, मूर्ति है मेडर्सो रोसो की। फिर आए आगे, ये बताओ कि थंग का कला भारत में कहाँ मिलती है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? हाँ, मेडेडो ब्रोसो, सही। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? ठीक है, ये थंका कला हिमाचल प्रदेश में मिलती है, भारत में सबसे ज्यादा। और ये जो है जावा इंडोनेशिया, जावा इंडोनेशिया में। स्पिरिट ऑफ वर्क किसका वर्क है? स्पिरिट ऑफ वर्क, धनराज भगत का है। ठीक है, धनराज भगत का है ना। घड़वा कला कहाँ की है? घड़वा कला कहाँ की है? 4P क्लासिफिकेशन किसने दिया? घड़वा कला बस्तर की है, 4P क्लासिफिकेशन उनने दिया है, जेमोर मकारथी। जेमोर मकारथी, ये सब आए हुए ही हैं जो आपको बता रही हूँ, मकारथी। ठीक है, इम्पेस्टो क्या है? इम्पेस्टो चित्रकला की टेक्निक है जो मोटी मोटी परत में, बस्तर छत्तीसगढ़, ठीक है, मोटी मोटी परत में आप जब पेंटिंग करते हो। ठीक है, एनकोस्टिक में किसका यूज होता है? एनकोस्टिक टेक्निक में मुख्यतः किस चीज का यूज होता है, किस मटेरियल का यूज होता है, वो आप बताइए। वैक्स का यूज होता है, मोम का यूज होता है। ठीक है, फिर आते हैं अपन ग्लेजिंग, मोस्टली किस में यूज होती है? तो ऑयल पेंटिंग में यूज होती है, लाइट शेड को वो करने के लिए। कैड का फुल फॉर्म बताइए, CAD, कैड का। PDF का भी फुल फॉर्म बताओ। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, एडेड ये है ना, एडेड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और PDF का पोर्टेबल डॉग, अरे मरवाओगे यार, रट लो इन सबको, मुझे भी याद नहीं रहता वैसे, बट कुछ कुछ चीजें तो याद रहती है। डॉक्यूमेंट फोल्डर नहीं, फॉर्मेट। PDF कहाँ से फोल्डर हो जाएगा? PNG का फुल फॉर्म बताओ। फोल्डर नहीं, अब एक की कॉपी मत करो, चीटिंग कर रहे हो, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसे चीटिंग वाले लोग है ना। PNG का फुल फॉर्म बताइए, चीटिंग वाले लोग हैं यार, चीटिंग चीटिंग करते हैं, करनी चाहिए वैसे, हम भी करते थे, पर यहाँ पे कुछ काम की है नहीं ना। जल्दी जल्दी जल्दी, PDF का हो गया। अरे प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप तो पैग होता है, वो कहाँ से आ गया है यहाँ पे, मेरे को ही कंफ्यूज कर रहे हो। PNG,
अरे सही है टेंशन नहीं लेना, मैं तो माहौल अच्छा करने के लिए बोलती हूँ, आप लोग को दिल पे नहीं लेने का। मैं भी बोर हो जाती हूँ यार पढ़ाते पढ़ाते, तो खुद की मस्ती के लिए बोलती हूँ। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। फिर आते हैं कोरल समर्स। प्रिंटिंग की कौन सी टेक्निक से कनेक्टेड है? ही इज एन आर्टिस्ट, लेकिन प्रिंटिंग की कौन सी टेक्निक के लिए फेमस है? जल्दी बताओ। कोरल समर्स प्लस लुशाई कला कहाँ की है? लुशाई कला कहाँ की है? और शबोरी कला भी कहाँ की है? ठीक है, वुड कट के लिए फेमस है। और एक चीज और याद रखना, वुड कट में क्या करते थे, वो कागज के दोनों ओर पे वुड कट पेंटिंग कर लेते थे, इसलिए इनका नाम बहुत ज्यादा आता है, इसलिए जानते थे। ठीक है, लुशाई कला मेघालय की है, बहुत सही। और शबोरी कला जापान की है। शबोरी बोले तो इंडिया की कौन सी कला बताओगे कोई? मतलब इंडिया की कौन सी कला को जापान में शबोरी कहते हैं? टाई एंड डाई, बिल्कुल, जो बंदेज की कला होती है ना, उसको बांधनी, बंदेज, उनको जो है आप ये बोलते हो, बटिक नहीं, बंदेज। ठीक है, फिर आते हैं एक चीज और, भारत का सबसे प्रथम मकबरा कहाँ पे है? फर्स्ट मकबरा। अरे नाना कहाँ पे है ये क्वेश्चन आया हुआ है? चेरामन। अच्छा मॉस्क पूछ लो, मॉस्क पूछो, मॉस्क मतलब मस्जिद, चेरामन मस्जिद। केरल, केरल में है, ऐसे स्टेट याद रखना। मकबरा तो सुल्तानगढ़ी है दिल्ली में। ठीक है, अभी इंट्यूशन का सिद्धांत किसने दिया? कैसे चेंज करती हूँ ना, कोई सोचेगा, बिल्कुल पलट लेते हो। इंट्यूशन का सिद्धांत किसने दिया? इमिटेशन का सिद्धांत किसने दिया? इंट्यूशन का सिद्धांत दिया क्रोचे ने। और एक्सप्रेशनिज्म, अभिव्यंजनावाद जो है एक्सप्रेशनिज्म, वो भी उससे, वो भी रिलेटेड कौन होंगे? अभिव्यंजनावाद भी क्रोचे, यही है इंट्यूशन का सिद्धांत। ठीक है, इमिटेशन का सिद्धांत किसने दिया? प्रिंसिपल। कम्युनिकेशन मतलब कला संप्रेषण है, किसने बोला? हाँ, इंट्यूशन का सिद्धांत दिया अरस्तू ने, एरिस्टोल ने। सिद्धांत की बात हो रही है, कला को की अनुकृति की बात प्लेटो ने की, लेकिन सिद्धांत की बात जहां आती है वहां अरस्तू की बात आती है। और कला संप्रेषण है वो, कम्युनिकेशन वो टॉल्स्टॉय ने। ठीक है, और एक चीज और याद रखो, क्या याद कर रहे थे अपन, कथार्सिस का सिद्धांत किसने दिया? कथार्सिस विवेचन बोलते हैं जिसको, मतलब ये वो होता है कि जो मैं कर नहीं पाती, कि अगर कोई स्ट्रेस हो तो कला की चीजों का। ठीक है, तो ये एरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है, फिर और क्या, और आता तो है यार, अपना फॉर्मलिज्म, रूपवाद का सिद्धांत किसने दिया? सिग्निफिकेंट फॉर्म को किसने बोला? अरस्तू दादा, दादा सोक्रेटिस को बनाओ और एरिस्टोटल को पोता बनाओ, तो याद रखो ऐसे।
हाँ, फॉर्मलिज्म का सिद्धांत रोजर फ्राई, और रोजर फ्राई नहीं हो तो इनामल कांट को भी याद रखना, ठीक है। सिग्निफिकेंट फॉर्म जिस जो दिया वो दिया क्लाइव बेल ने। क्रीक ऑफ जजमेंट बुक किसने लिखी? बुक किसने लिखी? क्रीक ऑफ जजमेंट बुक किसने लिखी? इनामल कांट ने लिखी, ठीक है। और आपकी वो इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये बुक किसने लिखी? डायलेटिक्स की थ्योरी किसने दी? ये बुक, अरे बुक का नाम अंग्रेजी, बेचारे हिंदी में कैसे बुक लिखेंगे मैडम जी, जो हिंदी में पूछ रहे हैं आप। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स ही नाम है। क्रीक ऑफ जजमेंट एनामल कांट की है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम्स का जो भी नाम आएगा, ये बुक आपकी सिगमंड फ्रायड की है, जिन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी की बात की, ड्रीम्स की बात की, श्योरलिज्म से रिलेटेड बात की, ये सारी चीजें, अचेतन मन, चेतन अचेतन मन की बात की, ये सब चीजें, ठीक है। और डायलेटिक्स की थ्योरी जो है आपकी हीगल ने दी थी, हीगल महाराज। हीगल कौन से देश के रहने वाले थे? बहुत उलझा रही हूँ पता है मुझे, मजा आ रही होगी आपको भी। हीगल कौन से देश के रहने वाले थे? सॉरी, क्या बोल रहे हैं ये? पेंटिंग की बात ही नहीं हो रही, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बुक थी। हाँ जी, क्रिटिक ऑफ जजमेंट कांट की बुक है। डायलेटिक्स की थ्योरी हीगल ने दी। हीगल के देश बताओ कौन से देश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हीगल ने क्या किया, आर्ट का फिजिकल क्लासिफिकेशन दिया था, फाइन आर्ट का भी फिजिकल क्लासिफिकेशन दिया था, उसको तीन भाग में बांटा था। द राफ्ट ऑफ मेडूसा ब्रेडा का समर्पण है, वो कहां से आ गया यार? हीगल जो है जर्मनी से थे, ठीक है, सही है। अब जो है आपको जो पूछना है 2-5 मिनट पूछ लो, फिर टाटा बाय बाय। अब संडे को जितना हो पाएगा, मुझे भी नहीं पता, मैं आई ट्राइड माय बेस्ट के जो चीजें कवर हो सके, ठीक है। अभी आपका वेस्टर्न आर्ट और एडवर्टाइजमेंट वाली चीजों पे फोकस संडे की क्लास में किया जाएगा, मोस्टली पेंटिंग्स पे। बाकी अभी आपका कुछ है और थोड़ा सा एस्थेटिक्स में, बाकी अगर आपको कुछ लग रहा है अभी पूछना है एग्जाम से रिलेटेड पूछ लो, 5-10 मिनट टाइम है, बंद कर रही हूँ, नहीं तो क्लास खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। क्योंकि डबल लोग आए थे, आप सब थक गए, मैं नहीं थकूंगी, 100 से 50 हो गए। चलिए, तो कुछ पूछना है आपको तो पूछ लो, नहीं तो देख लेते हैं क्या है। ये हो गया, इंडियन हो गया, कला आंदोलन बढ़ाएंगे इससे ये आपको, ये ठीक है। कुछ पूछना है आपको? नहीं, एडमिट कार्ड आ गए क्या? देख लेना, आज अभी नहीं आए होंगे वैसे, कितनी तारीख है आज? 15, आ जाएंगे कल वल तक आ जाएंगे। और आ गए हो तो ग्रुप ओपन है, वही यार डाल देना, बता देना, मैं तो देखा ही नहीं, सही बात बोलूं तो, ये ऐसे काम होते ही नहीं है मुझसे, चेक कर लूं ताकि। ठीक है, थैंक यू।
ठीक है, आप लोगों को और कुछ पूछना है? अगर और कुछ संडे की क्लास का भी कुछ हो तो आप बता देना, क्या चाहिए क्या नहीं, और अच्छे से बस पढ़ते रहो। और कॉन्फिडेंस रहना सबसे बड़ी चीज है, कॉन्फिडेंस रहने की। बहुत वीडियो रिकॉर्ड रहेगी, मुझे भी नहीं पता आज तक इतनी लंबी क्लास ली नहीं, हो तो जानी चाहिए, हो ही जाएगी वैसे तो, पर अपने को भी नहीं पता, ये सब आप ही का किया धरा है कि वही लंबा लो, हो जाएगी, रिकॉर्ड तो होती है वैसे, कैसे नहीं होती। ठीक है, और कुछ पूछना है तो अभी बैठे हैं 2 मिनट। हाँ, आर्टिस्ट संडे को होंगे, आर्टिस्ट संडे को होंगे, आर्टिस्ट की टाइमलाइन ऐसी एक उस पे बता देंगे। ओके ओके, अब तो थैंक यू आने लग गए, मतलब नो डाउट एट ऑल। तो थोड़ा सा मैं 5 मिनट इसलिए रुकी हूँ क्योंकि बहुत लोग पीछे से क्लास देख रहे हैं तो उनका एंडिंग लेट होता है, तो अब इतना देर रुके हैं तो और सही।